नमस्कार भैया, बिल्कुल बहुत ही धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और सबसे बड़ी बात थी जो पीएम ने उस मंच से बड़ी बातें बोली जिससे पूरे देशवासियों के लिए गर्व की बात है और साथ ही आगे की बड़ी दिशा भी दिख रही है। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ प्रियंका और मेरे साथ हैं अजय और डिम्पी। मॉर्निंग अजय, चाहे रेटिंग एजेंसियों की बात हो या फिर डेवलप्ड इकोनॉमी की बात हो, इंडिया अब बड़े बड़े टारगेट्स रख रहे हैं देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने। गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग प्रियंका, सारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बिलेटेड शुभकामनाएं। जी हाँ, बहुत ही शानदार स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की। स्पीच शानदार ना हो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये खास तौर पे उनकी 10वीं स्पीच, उनकी लास्ट स्पीच इलेक्शन के पहले, काफ़ी मायने थे इसके। और एक समय तो एक तो सबसे खास बात मेरे को सबसे अच्छी जो लगी उस स्पीच में वो ये थी, उन्होंने मेरे प्यारे देशवासियों से एक बदलाव लाके मेरे परिवारजन शुरू कर दिया बोला। हाँ। ये बदल, इसके भी बात हो सकती है काफी, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था ये। लेकिन जबरदस्त स्पीच, मतलब ऐसे तो वो मास्टर ओरेटर है, लेकिन इकोनॉमी के हिसाब से और जो मल्टी डेकेड व्यू दिया, ऐसा लग रहा था कि एक ऐसे कंपनी का चेयरमैन जैसे एनुअल जनरल मीटिंग पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात नहीं करके एक कंपनी का रोड मैप देता है कि मैं कंपनी को कहां ले जाना चाहता हूं। करेक्ट, फाउंडर चेयरमैन टाइप उस तरह की एजीएम स्पीच थी है, कि बिग रोड मैप मल्टी डेकेड व्यू दे रहे थे। बहुत ही शानदार स्पीच थी, उसके बाद स्पेसिफिक्स में भी गए, मजा आया, बहुत अच्छा लगा सुन के और बहुत ज्यादा फख्र की फीलिंग हो रही थी। Correct. और मुझे तो एकदम गूज़बम्स आ रहे थे कि कितने स्पेसिफिक टारगेट बात कर रहे हैं। पिछली बार मुझे याद है कुछ दिन पहले आप ये बात कर रहे थे कि एक स्टॉक जिस पे पूरे विश्व को भरोसा होना चाहिए वो है इंडियन इकोनॉमी। स्टॉक कॉल्ड इंडिया, मल्टीबैगर है। अभी देखिए 2.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है हमारी। 5 ट्रिलियन डॉलर की गाइडेंस मैनेजमेंट ने दे दी है। करेक्ट। और अब 6 or 10 trillion की भी, डिपेंड करता है आपका व्यू कितना है। करेक्ट। बट ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, 30 seconds जरूर लूंगा, कि हम लोग यहाँ पे बिजनेस चैनल पे यूजुअली डेली व्यू लेते हैं, मंथली व्यू लेते हैं, एक्सपायरी तक का व्यू लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है वहां पे जो मल्टी ईयर व्यू भी ले रहे हैं इंडिया के ऊपर। बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। करेक्ट। और बहुत बड़ा मल्टी डेकेड व्यू भी ले सकता है। अगर हमारे पास 10-20 साल हैं एक अच्छे इन्वेस्टर ट्रेडर बनने के लिए, कितना बड़ा पैसा बन सकता है इंडियन इकोनॉमी पे दांव लगा के और एक अच्छा इन्वेस्टर बन के। ये अगर आपको ये जानना हो और इसका आंकलन लगाना हो तो आप जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लाल किले से संबोधन को सुनिए। बिल्कुल, चलिए ये तो एक बड़ी बात है जिससे हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन और दूसरे आज के ट्रिगर्स क्या रहेंगे? तो ये 10 बातें आप लगातार हमारी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं और ऑफकोर्स कल दिन भर इसकी गूंज गूंजती भी रही है, सारे सोशल मीडिया पर भी आप जोर शोर से उस संबोधन को भी देख चुके हैं। लेकिन आज के अब सेटअप में चार बड़ी बातें। सबसे बड़ी बात, क्या मूड बिगाड़ सकता है या फिर बाजार ऑलरेडी एस्टिमेशन लगा के चल रहा था कि CPI महंगाई दर बढ़ के, जिस तरह का फूड इन्फ्लेशन और ये काफी अनकंफर्टेबल लेवल्स पर है, 15 महीने की ऊंचाई पर अब आपको इंडिया की CPI लेवल दिख रही है जो लगभग 7.4 के पास है। तो यहां से इस वक्त क्या थोड़ा और कंसोलिडेशन कर सकता है निफ्टी इंडेक्स, इस पर आगे स्ट्रैटेजी होगी, इसका ये कितने हद तक प्राइज्ड इन था। दूसरा बड़ा संकेत जो आपको US मार्केट से दिख रहा है वो है, वीक तो है ग्लोबल मार्केट्स और FOMC मीट के यहां से आज कंक्लूड्स भी निकले जिस पे कल हम रिएक्ट करेंगे। और जो फिच ने मूड बिगाड़ा है, बैंक्स क्या और प्रेशर में आ सकते हैं, ग्लोबल बैंक्स और इंडियन बैंक्स जो लगातार ड्रैग कर रहे हैं उन पर और PSU बैंक्स पे और प्रेशर होगा, क्या इस सेंटिमेंटली और वीकर करने वाली न्यूज है ये, इस पर बात करेंगे। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी होगा, ITC के नंबर्स आए, वहां पर डीमर्जर को लेकर जो उन्होंने रेशो दिए वो भी सामने आई, उस पर भी एक रिएक्शन लेंगे अब एक्सपर्ट से। और साथ ही जो मेजर ब्लॉक डील्स ओवर द वीकेंड हुई है और जो एक ब्लॉक डील लगने वाली है इंडिगो पर डिस्काउंट पर, इस पर आपकी ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो ये तो सारे रहे बड़े ट्रिगर्स, लेकिन एक एक कर एक सबको डिस्कस करते हैं। पहले तो ग्लोबल मार्केट्स की ही बात करते हैं। अच्छा, ये ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा प्रेशर तो क्रिएट किया फिच ने ये स्टेटमेंट देकर। जी हाँ, ये देखिए पहली बात तो ये रेटिंग एजेंसीज का एक सेकंड टाइम आ रहा है। हाँ। पहले मूडीज ने किया लास्ट वीक, तो मूड खराब करने के लिए काफी है। हाँ। और ये ऐसे समय पर भी आ रहा है कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक ने भी काफी अच्छा एक्शन लिया। एक तरफ तो रशिया ने 350 basis points हाइक किया रेट, वहां चाइना ने एक अनुमान के अनुसार रेट कट किया, तो लोग थोड़ा सा चिंतित से हैं कि अभी एक तरफ तो इन्फ्लेशन की जो मॉन्स्टर है वो पूरी तरह काबू में नहीं आया है। Correct. वो जानवर अभी भी ढूंढ रहा है अपने अपने टारगेट्स एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये कि चाइना में स्लो डाउन दिख रहा है। चाइना और US सबसे बड़े दो इंजन है वर्ल्ड ग्रोथ के, उसमें एक इंजन अगर स्लो डाउन कर रहा है तो किधर जाएगा प्लेन, ये देखने वाली। और इनफैक्ट US का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी आ जाना है,
तो देखना होगा। रिटेल और रिटेल सेल्स यूएसकी बहुत मजबूत आई है, यानी केस से बन रहा है कि एक आध हाइक और मजबूत मिनिमम रहेंगे, तो इसलिए बाजार थोड़ा सा इस मामले में नर्वस हो गया। आज एफओएमसी कमेंट्री आएगी, उससे आपको बातें साफ हो जाएंगी। करेक्ट। लेकिन आप देखिए, कल हमने देखा कि बैंक्स जो हैं फिच की कमेंट्री से रिएक्ट करते हुए नजर आए। जेपी मॉर्गन का नाम लिया उन्होंने और दूसरे बैंकों का नाम लिया, सब नीचे बंद हुए थे, सिटी वगैरह, वेल्स फार्गो, तो दबाव इंपैक्ट पे दिखाई दिया। तो ये ग्लोबल मैटर्स जो है थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक अच्छी बात हुई है, सिर्फ चिंता होने वाली बात नहीं है। हो सकता है 3-5% चले हुए यूएस मार्केट है, थोड़ा सा पुल बैक कर रहे हैं, और ये सारे कारण हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पे क्या असर होगा। चाइना का जो स्लो डाउन है उसे क्रूड उसका असर क्रूड नीचे लाता है, करेक्ट। और 87 वाला क्रूड 85 आ गया, अगर ये 80-82 पे जाता है ये हमारे लिए खुशी की बात है, करेक्ट। लेकिन दुख की बात ये है कि कल जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया इंडिया का, हाँ, वो बहुत खतरनाक था, करेक्ट। जो हाईएस्ट जो रेंज थी, हाँ, उसके भी टॉप पे आया है, 7% ऑन द टॉप पे। बाजार हमेशा एक रेंज को मान के चलता है, sure. वो कभी एक पॉइंट को मान के नहीं चलता है। तो किसी का 6, 6.5, 7.5, 7, 7.5 के करीब आया है, right. तो ये बिल्कुल दबाव वाला कारण है। बट देखना ये होगा कि इसमें से कितनी बात ऑलरेडी फैक्टरिंग है। जब हमारे और आपके बीच में बात हो रही है डेली, करेक्ट, कि सब्जियां बढ़ गई, सब्जियां बढ़ गई जी, तो बाजार तो एक फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल है। तो देखना ये होगा, अगर आप देखिए परसों का मार्केट का एक्शन, पहला जो गैप डाउन था लोएस्ट पॉइंट 19,250 के करीब था, वो पहले आधे घंटे में बन गया था, उसके बाद डेज हाई पे बंद हुआ बाजार, हरे निशान में आ गया निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा दबाव में था, राइट। लेकिन आज इस बात का टेस्ट होगा कि ये जो सब्जियों की वजह से और फूड आर्टिकल्स की वजह से भाग गया है इन्फ्लेशन, क्या ये टेम्प्रेरी है या ये लास्ट कर सकता है, इसके बारे में हम बात भी करेंगे कुछ विशेषज्ञों से, लेकिन इसका टेस्ट होगा आज। और रिलायंस और आईटी बहुत बढ़िया तरीके से बाजारों खींच के लाए। मैं आपको बताऊं, हम लोग अपने व्यूअर्स से करीब 15 दिन से ये बात कर रहे हैं कि आईटी को अब शॉर्ट मत करिए, अब शॉर्ट मत करिए, लेने के मौके देखिए, लेने के मौके देखिए, क्या खबरें आ रही है, बिल्कुल इंफोसिस पे देखिए, फिर से लार्ज डील, अभी एचसीएल टेक मिली थी, एग्जैक्टली। तो बड़ी डील अब जो है ना मैनेजमेंट आईटी के, वो कंजर्वेटिज्म के पीक पे चले गए कि वो जब तक एविडेंस नहीं आएगी कि डीलर स्लो डाउन नहीं है, True. तब तक वो, इनफैक्ट जब एचसीएल की डील का अनाउंसमेंट आया था ना, तभी से मोमेंटम सुधरा है, सिर्फ एचसीएल नहीं पूरे लार्ज कैप, हां उससे पहले एक्चुअली टेक महिंद्रा क्या के रिजल्ट के जो पॉइंट बना है, sure. उस दिन लोएस्ट पॉइंट था, करेक्ट। वो बाजार वेट नहीं करता है डील के आने का, हाँ, माल पहले लेना शुरू कर देता, sure. है। लेकिन एटलीस्ट बाजार को जो ये एस्टिमेशन है कि लॉन्ग बड़ी डील्स नहीं होंगी, वो एटलीस्ट एक कंसर्न पर वैलिडेशन जरूर लगती है। हाँ, ये कह सकती हैं, ये बात सही है। लेकिन देखिए आप, करीब 1250 का टेक महिंद्रा ने टॉप बनाया अभी रिसेंटली, इंफोसिस परसों लीड कर रहा था, मिड कैप को फोर्ज के पीआईटी बहुत अच्छा चल रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि देखना ये कि आईटी में फॉलो अप बाइंग आती है नहीं, रिलायंस में फॉलो अप बाइंग आती है नहीं। ओवरऑल अगर हम देखें तो आज मैं 19,250 का लेवल वॉच करूंगा, क्या उसके बिलो जाता है आज सुबह खुलने पर, तब दिक्कत होगी। अगर वहां से रिबाउंड करता है, क्योंकि ओवरसोल्ड भी बहुत हो गया था, अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के पीसीआर देखें, और ये एग्जैक्टली फ्राइडे को देखने को मिला, आज मालूम चलेगा क्या है। बैंक्स को देखिए, बैंक में लथार्जिनेस है, लेकिन सेलेक्ट पीएसयू बैंक्स में अच्छी बाइंग आ रही है। तो जो प्राइवेट बैंक थोड़ा सा साइडवेज हो गए थे, पीएसयू खींच के ला रहे, तो मजा आएगा आज देखने में। ट्रेडर्स को भी एक डायरेक्शन मिलेगा कि कितना पेसिमिज्म इन द प्राइस है और कितना अभी भी देख के काम करिए, आधा पौन घंटा वेट करिए बाजार में, उसके बाद बढ़िया आप तरीके से कॉल। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे पास ढेरों लिस्ट, पूरी की पूरी लिस्ट लेके आए हम, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत जबरदस्त हो रहा है, ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं हो रहा है, सिर्फ इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए क्लियर ट्रेंड में थोड़ी सी कमी है। लेकिन अभी हम जाएंगे डिम्पी के पास ये जानने के लिए कि एफएनओ डेटा निफ्टी में और बैंक निफ्टी में क्या तस्वीर दिखा रहा है, बताइए डिम्पी। अजय गुड मॉर्निंग। देखिए ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि इंडेक्स वालों के लिए इस समय ट्रेड का मौका है नहीं, आपको 100 पॉइंट भी कमाने तो जद्दोजहद बहुत करनी पड़ रही है, और बैंक निफ्टी से 200 पॉइंट कमाने के लिए भी जद्दोजहद है। एक और चीज़ मैं निफ्टी के बारे में आपके सामने रखूँ, निफ्टी के अंदर अभी भी चैलेंजेस जस के तस बने हुए हैं। आप ये लेवल्स पहले चेक कीजिएगा, फिर हमने जो चार्ट बनाया निफ्टी का, वो कुछ एक स्पेशल उसके अंदर एक पॉइंट भी नोटिस करवाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। ये 6 पॉइंट की ही मामूली बढ़त थी, यानी कि मार्केट ने सिर्फ अपनी गिरावट को कंप्लीट किया और वहीं पे जाके क्लोज कर दिया। आज जब आप 85 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी के अंदर देख पा रहे हैं, ये उतनी ही रिकवरी थी।
तो जो वापस हो जाएंगे आप उस जगह पे, यानी कि कुल मिला के बात सारी यही है कि अभी भी आप चर्न कर रहे हैं, 19,300 19,600 के बीच में आप फंसे हुए हैं। अब वो चार्ट लेके आई तो आपको क्लियर हो जाएगा, 19,300 हम डबल बॉटम बना चुके हैं, ये डबल बॉटम का एक बेस है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और ऊपर से जो स्लांटिंग लाइन है ये ब्रेकआउट है, आप इसको स्क्वीज 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 और करते जाइए, जब ये बिल्कुल ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट वाली सिचुएशन पर आ जाएगा तब आप अपना फैसला ले लीजिएगा। हो सकता है आज हम वापस 19,300 को टेस्ट करने के लिए चले जाए, लेकिन जब तक ब्रेकडाउन होता नहीं तब तक कंफर्म मत मानिएगा। कुल मिला के रही बात प्रीमियम वगैरह की, वो नॉर्मल है, विक्स अभी नॉर्मल है, ऐसा सच कुछ है नहीं, तो इंडाइसिस से आप बहुत ज्यादा उम्मीद ना कीजिए, ये अभी भी चर्न करेगा कम से कम निफ्टी तो। ठीक है, तो ये तो बात हुई इंडेक्स पर, आप निफ्टी की बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी पे क्या बड़ा ड्रैग आ सकता है आज दिम्पी? देखिए 44,000 के आसपास हम क्लोज हुए हैं, बैंक निफ्टी की कोशिश सिर्फ ये है कि सपोर्ट को किसी तरह से बचा ली जाए, निफ्टी की कोशिश है कि ब्रेकआउट कर दिया जाए, तो दोनों के नेचर में भी फर्क है। ये जो बैंक निफ्टी का आप चार्ट देख पा रहे हैं स्लंटिंग डाउनवर्ड्स है, और सपोर्ट एरिया ना थोड़ा बड़ा है, ये 43,800 से 43,400 वाली रेंज का है, अगर आप इसको और थोड़ा पीछा करेंगे तो आपको क्लियर वो रीजन, वो सपोर्ट का जो हमने लाइन खींची आपको पता लग जाएगा, इसलिए हो सकता है इस सपोर्ट को हम टेस्ट करने के लिए चले जाएं 43,800 पे। अपने वित्तीय सलाहकारों को अगर वो सो रहे हो तो उनको जगाइएगा और उनसे पूछिएगा मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना ठीक है और क्या मैं इसके अंदर पोजीशंस ले लूं, वो हो सकता है आपको हाँ भी बोल दें। अगर आप लेना चाहेंगे तो फिर थोड़ा वॉल्यूम कम रख लेना बस, क्योंकि उस समय थोड़ा टेस्टिंग हो रही होगी वो कि सपोर्ट बनने जा रहा है कि नहीं बनने जा रहा, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी जो करेगा वो एग्रेशन के साथ करेगा, वो अभी नहीं करेगा बट मौका आने पर जरूर करेगा। फिलहाल आपको क्या करना है, आप अगर शॉर्ट हैं तो लेके बैठिए 43,800 में प्रॉफिट बुक कर लेना, अगर आप लॉन्ग हैं तो 43,800 का स्टॉप लॉस लगा के बैठिए, अगर ये कटता है तो उसको कटवाइएगा, फिर उसके बाद वापस से सोचेंगे क्या करना है, फिलहाल तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है बैंक निफ्टी। ओके, एंड दो स्टॉक्स कौन से वॉच आउट करने होंगे आज, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में तो काफी एक्शन है। देखिए स्टॉक्स के हिसाब से आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना होगा, हमने कई बार आपके सामने बात रखी है कि बेस वाले शेयर पकड़िए, इस समय एग्रेशन वाले शेयर्स का समय ही नहीं है, वो कई बार होंगे कि इतने ज़्यादा चले हुए हैं कि टूट जाएंगे, तो आप बेस वाले शेयर पकड़िए। पहला शेयर है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ध्यान रखिएगा ये शेयर FNO बैन के अंदर है, मैं फिर भी इस शेयर को ले रहा हूँ, हमने बार पहले भी इसको लिया था, FNO बैन में होने की वजह से आप अपॉर्चुनिटी लॉस्ट क्यों करें, आप उतने ही फ्यूचर्स का आप कैश में ले लीजिए, आप सीधा सीधा चाहें तो किसी भी तरह की पोजीशंस को अपनी होल्डिंग को भी बना के रख सकते हैं इसके अंदर, तो इसलिए FNO बैन उन लोगों के लिए सिर्फ एक बहाना हो सकता है जो पोजीशंस नहीं लेना चाहते, अदरवाइज वैसी कोई दिक्कत नहीं है। आप इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का एक स्ट्रांग बेस देख पा रहे हैं, मल्टीपल बेस ने यानी कि बाजार गिरने पर भी ये बेस टूट नहीं रहा इसका, और जो मैनेजमेंट के अंदर थोड़ी रीशफलिंग की बात है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का थोड़ा इशू आया है जो थोड़ा पॉजिटिव सुनने में आ रहा है, वो शायद इस शेयर के लिए एक बेहतरीन ट्रेड हो सकता है, लेकिन मैं फिर से बता दूं इस शेयर ने काफ़ी वेल्थ डिस्ट्रॉय की हुई है, अगर आप कोई पोजिशंस ले रहे हैं तो टिपिकली पहले स्टॉप लॉस पता कीजिएगा अपने वित्तीय सलाहकारों से, उसके बाद फिर नए टारगेट्स के लिए जाएगा, लेकिन ये स्ट्रांग बेस का एक शेयर है, इस पर आप ज़रूर ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये एक लॉन्ग का कैंडिडेट है। अब शॉर्ट के कैंडिडेट की बात, बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी वीकनेस आ सकती है आज फिर से, बैंक ऑफ बड़ौदा इस अटेम्प्ट के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट भी बनाए हैं आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये स्लांटिंग डाउनवर्ड लाइन है और इसने 50 दिन और 200 दिनों के एवरेज को आवरली बेसिस पर ब्रेक किया हुआ है, इसके पास एक चांस है कि ये पार्टिसिपेट करे या तो और फॉल करे, प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि फॉल ज़्यादा कर सकता है, इसलिए इसको आप एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, इसके फ्यूचर्स में भी थोड़ी बहुत शॉर्टिंग दिख रही है और थोड़ा एग्जॉस्ट शेयर हो चुका है अब ये, तो इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा को आप एक बार बेच सकते हैं और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस को एक बार आप खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों के अंदर वॉल्यूम कम रखना है और अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के रखना है, हम सिर्फ शेयर के अंदर जो गाइडेंस है, जो ट्रेड हो रहा है, जो जस्टिफिकेशन हो रहा है वो सिर्फ आपके सामने रखते हैं बस। ये तो ट्रेड की बात हो गई, आज CLSA से जो जानी मानी ब्रोकिंग कंपनी है, आप ढेरों उनकी रिपोर्ट्स और स्टॉक्स स्पेसिफिक एक्शन को यू डिस्कस करते रहते हैं, उसने बहुत ही शानदार रिपोर्ट निकाली है, उन्होंने ये बात कही है कि भारत अभी भी जो इंडिया डेडिकेटेड फंड्स हैं, ये बताना ज़रूरी है अपने व्यूअर्स को कि हालांकि FII आउटफ्लो भी आपको 10-15 दिन से दिखाई दे रहे हैं ग्लोबल माहौल में जो दबाव बना है उसके कारण से, लेकिन CLSA से ये कह रहा है कि जो इंडिया डेडिकेटेड फंड्स हैं ETFs और ओवरऑल बड़े FII नहीं, इंडिया डेडिकेटेड फंड्स में लगातार बाइंग हो रही है, 5 महीने से इंडिया डेडिकेटेड फंड्स में बाइंग हो रही है, 6ठे महीने के लिए भी शायद नेट बाइंग होगी, ये क्यों, क्योंकि यहाँ के सुपीरियर फंडामेंटल्स हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि फाइनेंशियल्स और इंडस्ट्रियल्स में खास तौर पर इंडिया डेडिकेटेड फंड्स बाइंग कर रहे हैं,
आईटी और हेल्थ केयर में उन्होंने अपना वेटेज कम किया है। 6 महीने के लेवल पे इस समय हाईएस्ट इन 6 मंथ्स है इंडिया डेडिकेटेड फंड्स में बाइंग। तो ये आपको पोर्टफोलियो एलोकेशन के हिसाब से देखना जरूरी है कि जो सेलिंग दिख रही है ये ETF सेलिंग हो सकती है, और ये जो बड़े FII वो जब एशिया को कम करते हैं तब जाके इंडिया में भी थोड़ी सेलिंग आती है, ये वो सेलिंग है। नेट इंडिया लॉन्ग वाले लोग अभी भी बाय कर रहे हैं। लेकिन एक मुद्दा जो बाजार के पर भारी बन सकता है एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में, या उसको कैसे समझना चाहिए, वो है इन्फ्लेशन का। आपने देखा करीब करीब 7.5% के आसपास का इन्फ्लेशन आया। हमारे सेंट्रल बैंक जो गवर्नर दास हैं वो ऑलरेडी थोड़ा कॉशियस हो गए थे, वो बाजार को एक हिंट दे रहे थे कि ये इन्फ्लेशन का मामला पूरी तरह शायद काबू में अभी आया नहीं है। इस बारे में हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ ऑयस्टर कैपिटल के MD एंड CEO अतुल जोशी जुड़ रहे हैं ये बात समझाने के लिए कि बाजार के नज़रिए से इस इन्फ्लेशन रीडिंग को आपको कैसे कंज्यूम करना चाहिए। अतुल गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया इटिन और सुदेश से बात करने के लिए। देखिए एक तरफ तो हम और आपको ये किसी रेटिंग एजेंसी को बताने की ज़रूरत नहीं है या किसी आंकड़े की डिटेल की ज़रूरत नहीं है, हमारे सबके बजट पिछले 1-1.5 महीने से बिगड़े हुए हैं। घर में जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो टमाटर और धनिया का भाव बता रहा था, लेकिन ये जो रीडिंग आई वो बाजार की उम्मीद से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर खाया, कितनी दिक्कत वाली बात है या ये टेम्परेरी है, आपका क्या, आपकी क्या राय बन रही है? नहीं देखिए, जो अगर हम पूरा माहौल देखें तो हमको मई महीने में जाना चाहिए। मई महीने में अगर आप एक नासिक की मार्केट देख लें तो नासिक की मार्केट और कई सारी बड़ी बड़ी मंडियों में टमाटर जो हमारे किसान थे वो ला रहे थे और डंप कर रहे थे। कई लोगों ने ट्रैक्टर चला दिए, कई लोगों ने प्लकिंग भी नहीं करवाया अपने खेत से क्योंकि उसकी मजदूरी ज्यादा थी, प्राइस कम थी, 50 रुपये पर किलो टमाटर मिल रहे थे किसान को उस वक्त में। और 3 महीने के बाद अगर हम देखें तो 150 रुपये 160 रुपये हो गए। तो ये जो हमको ये बहुत बड़ा प्राइस चेंज दिखा फार्मर से लेके रिटेल तक, वो सिर्फ 2-3 महीने में हमको दिखा है और ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि जो बारिश आई है वो काफी तेज आई है और 100% बारिश की जो संभावना IMD ने बताई थी, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी थी कि 31 दिन में 85% बारिश पड़ गई कई सारे इलाकों में, तो इसकी वजह से हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स दोनों के जो दाम है वो एलिवेटेड हैं और एलिवेटेड रहेंगे जब तक कि न्यू सप्लाई ना आ जावे। दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो जो राइस है मतलब चावल और गेहूं पल्सेस, ये तीन चीजों के अगर हम देखें एरिया अंडर कल्टीवेशन तो राइस में हमको थोड़ी राहत आती दिख रही है, वीट में थोड़ी राहत आती दिख रही है, लेकिन पल्सिस का जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो 7% कम है कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो पल्सिस के प्राइसेस थोड़े एलिवेटेड रहेंगे इवन रबी क्रॉप आने तक। तीसरी बात अगर हम देखें कि जो तीन हमारे मेजर स्टेट्स है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और गुजरात, वो तीनों में जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो भी 2% से 3% के बीच में कंपेयर टू लास्ट ईयर कम है। तो ओवरऑल अगले 15-20 दिनों में हमारा पिक्चर और क्लियर हो जाएगा कि एरिया अंडर कल्टीवेशन कौन सा बढ़ रहा है, कौन सी प्राइस ऊपर जाएगी पल्सेस राइस एक्सेट्रा। चौथी बात इंटरनेशनल अगर हम देखें तो राइस और वीट की प्राइस गेहूं की प्राइस थोड़ी फर्म अप हो रही है, तो उसकी इम्पैक्ट थोड़ा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी जिसकी बात मोदी जी ने भी कही थी वो भी हमको दिखेगा। ओवरऑल नवम्बर तक प्राइजेस एलिवेटेड रहेंगे। प्राइस सॉफ्ट क्यों होंगे, इसका मेन कारण ये रहेगा क्योंकि हमारे जो वाटर रिजर्वायर्स है हमारे जो सरोवर वगैरह है डैम्स हैं उसमें पानी की आय काफी अच्छी रही है, तो उसके जो वाटर लेवल्स अच्छे रहेंगे तो हमारा रबी क्रॉप है विंटर का जो क्रॉप है वो बहुत ही उम्दा आएगा और उसके बाद में प्राइजेस हमको सडनली बहुत ही शार्पली करेक्ट होती दिखाई देंगी। तो ये ट्रांजिटरी पीरियड है, 3-4 महीने थोड़ा अभी भी एलिवेटेड दिखेगा और उसके बाद में सडनली हमको एक्सपेक्टेड क्रॉप के हिसाब से इन्फ्लेशन काफी नीचे आ जाएगा। के जोशी, ये जो आपने पिछले 10-20 सेकंड में बात कही बड़े काम की बात थी, 3 से 4 महीने की ये दिक्कत है उसके बाद शार्प फॉल आपको ये खाद्य पदार्थों में आने की उम्मीद है जिसके कारण आपने बताया, लेकिन इन 3 से 4 महीने में बाजार थोड़ा सा दबाव में आ सकता है क्योंकि बाजार चिंतित रहे कि वाकई में क्या 3 से 4 महीनों के बाद, जब तक उन्हें एविडेंस नहीं मिलता है बाजार को कि वाकई में खाद्य पदार्थ और वस्तुओं की दाम घटने वाले हैं, बाजार शायद थोड़ा सा चिंतित रह सकता है। और ऑफकोर्स गवर्नर साहब ने भी तो थोड़ा
कॉशियस अप्रोच इस बार अपनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया जोशी जी इसके मायने, इन्फ्लेशन रीडिंग के मायने हमें समझाने के लिए और बाजार को क्या उम्मीद रखनी चाहिए, चीजें कहाँ सुधरेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह हमसे बात करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन एक प्रैक्टिशनर इकोनॉमिस्ट से आ रहा है कि इस रीडिंग को आप कैसे देखें। 3 से 4 महीने का मामला है गड़बड़, उसके बाद हमें उम्मीद है कि दाम घटेंगे। आगे चलते हैं, अपने पैनलिस्ट को भी जोड़ते हैं। हमारे साथ आज सौमित हैं, मूलचंदानी जी, वैशाली पारेख हैं, अक्षय हैं और हमारे साथ जतिन भी हैं, जतिन गेडिया। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन एंड द लेडी, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह हमसे बात करने के लिए। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। वैशाली बताइए, इस समय बाजार को कैसे ट्रेड करेंगी आप, जिस हिसाब से फ्राइडे मतलब परसों मंडे को हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत ही शानदार इंटरडे रिकवरी देखी, क्या आपको आज के गैप डाउन में भी उसी तरह का प्ले आउट होता हुआ नजर आता है या बाजार थोड़ा कमजोर हो गया है? वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली यस, मार्केट में वीकनेस जरूर है लेकिन रिलायंस, आईटी स्टॉक्स ये सब होल्ड कर ही रहे हैं। सो नाउ इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर टुडे 19,350 शुड होल्ड। अगर ये टूटता है तो फाइनल सपोर्ट आता है 19,200 का। सो ब्रॉड बेस मैं कहूंगी 19,200 इज द सपोर्ट, इंट्राडे 19,350। और उसी अनुसार बैंक निफ्टी में भी कंपेरेटिवली थोड़ी ज्यादा वीकनेस है। सो 43,800 इज द नियर टर्म सपोर्ट और वो सपोर्ट ब्रेक होता है तो शॉर्ट किया जाए फॉर अ टारगेट ऑफ 43,400 टू 43,200। सो मिक्स्ड व्यू है, सो लेट्स वेट एंड वॉच। मिक्स्ड व्यू है और यहाँ वेट एंड वॉच करना होगा। ये तो रही इंडेक्स पर बात, अब एक बार समझ लेते हैं कि आज हमारे सारे एक्सपर्ट्स स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या दे रहे हैं। चलिए, हमारे साथ दूसरे भी एक्सपर्ट्स हैं, अक्षय भी हैं, सुमित मूलचंदानी हैं और हमारे साथ जतिन भी हैं। जतिन, आपसे चलिए शुरू करते हैं, आज की रिकमेंडेशंस बताएं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का जो व्यू है उसके तरह से हम एक लॉन्ग और एक शॉर्ट करना चाहेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में। जो शॉर्ट साइड का होगा वो हैवेल्स होगा, तो हैवेल्स फ्यूचर्स हमें एक सेल करके चलना चाहिए, उसमें स्टॉप लॉस हमें लगाना होगा अराउंड 13-16 का और हमारे टारगेट्स होंगे 1215 रुपए के लिए। तो हैवेल्स में हमने देखा है कि कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन हुआ है और डेली मोमेंटम इंडिकेटर्स भी सेल साइड पे है, तो हमें लगता है कि हैवेल्स एक सेल करके यहाँ पे चलना चाहिए। हमें लगता है कि वीकनेस इसमें जारी रहनी चाहिए और जो बाय साइड का रिकमेंडेशन होगा वो एम्फोसिस पे होगा। तो एम्फोसिस पे हमने देखा हुआ है कि पिछले कुछ दिनों से एक लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहा है, हमें लगता है कि एम्फोसिस एक 20 डे के सपोर्ट के साथ पॉजिटिवली ट्रेड कर सकता है, तो हम एम्फोसिस लॉन्ग करना चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस होगा 2290 का और टारगेट होगा 2500 का। ठीक है, एम्फेसिस बाय हो गया, हेवल्स शॉर्ट हो गया। हेवल्स पे ध्यान रखिएगा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि स्ट्रक्चरली ब्रेकडाउन हो रहा है। आज अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं लेते तो दूसरा शेयर हमारा हेवल्स ही था, लेकिन अच्छा किया जतिन ने भी बात नोटिस करवाई कि हेवल्स एक शॉर्ट कॉल है। आगे बढ़ते हैं, सुमित से जरा पता करते हैं उनके आज के ट्रेड कौन से हैं। सुमित, गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेड सर। हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज के लिए दोनों लॉन्ग ही रहेंगे बिल्कुल। एनएमडीसी पे आप ध्यान रखिए, एनएमडीसी का काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आया हुआ था, एक रिटेस्ट कैंडिडेट भी है और परसों के सेशन में आप देखेंगे तो काफी अच्छा एक 4-5% का मूव आया था और क्लोजिंग डे हाई पे ऑलमोस्ट मिला था। तो मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रह सकता है। करंट मार्केट प्राइस है 119, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 109 का फॉर द टारगेट ऑफ 137 एंड 146। दूसरा मेरा रहेगा आईटी से ही। देखिए, इंफोसिस ने अपना एक प्रीवियस सपोर्ट को ही रेजिस्टेंस की तरह काम किया है, तो परसों के सेशन में भी लो देखिए काफी अच्छा बनाया था और वहीं पे ही सपोर्ट लेके बाउंस किया था, तो मुझे लग रहा है कि ये और कंटिन्यू रहेगा और अपना गैप फिलिंग के लिए ऊपर जाएगा। करंट मार्केट प्राइस है 1393, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1364 का, टारगेट 1447 एंड 1478। क्या बात है, इंफोसिस यहाँ पर आपको बाय कॉल दिख रही है। अब एक बार अक्षय से भी समझ लेते हैं कि अक्षय के पास कौन से आज के ट्रेड्स हैं। अक्षय बताएं आपकी रिकमेंडेशन। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो मेरा जो रीडिंग है वो बैंक निफ्टी का, अगर आप चार्ट्स देखें तो काफी डरावने लग रहे हैं क्योंकि एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का कंफर्मेशन ऑलमोस्ट होते हुए दिख रहा है, जो एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न माना जाएगा करंट सिनारियो में। ये कंफर्म होता है 44,000 के ब्रेकडाउन के नीचे, तो उसके चलते हम बैंकिंग स्टॉक्स में वीकनेस देख सकते हैं और हमारा जो आज का पहला जो कैंडिडेट है वो शॉर्ट का रहेगा, वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो ज्यादा कुछ मेजर ट्रिगर्स नहीं थे, गए कुछ दिनों में
हल्का सा एक गिरावट देखने को मिला था और जो प्रायर ट्रेडिंग सेशन था उसमें उसने 1620 का की सपोर्ट ब्रेक करा है। डेरिवेटिव पैरामीटर्स काफी वीक पोजीशनिंग है और हमारा मानना है कि नीचे में आपको 1550 तक इसमें शॉर्ट टर्म में स्तर देखने को मिलेंगे। तो हम रेकमेंड करेंगे आप एचडीएफसी बैंक को शॉर्ट करें करंट रेट में और इसका टारगेट बनाए 1550 और 1530 विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 1647। जो दूसरा हमारा कैंडिडेट रहेगा वो रहेगा बजाज फिनसर्व। ये भी हम मानते हैं कि शॉर्ट टर्म इसमें वीकनेस रहेगी, हालांकि प्रायर ट्रेडिंग सेशन में जो रिसेंट लो 1470 का था वहां से थोड़ा सा एक रिकवरी का अटेम्प्ट करा है, पर जल्द ही शायद आज ही ये सपोर्ट ब्रेक कर जाए और नीचे में आपको ये 1400 तक डाउनसाइड देखने को मिल सकते हैं। डेरिवेटिव्स में भी पोजीशनिंग काफी वीक है तो हम रेकमेंड करेंगे बजाज फिनसर्व आप सेल कीजिए और शॉर्ट टर्म विद अ ट्रेडिंग टारगेट ऑफ 1397 टू 1360 और ये ट्रेड में आप 1542 का स्टॉप लॉस बना के चले। ओके ठीक है, आपको बैंकिंग वीक लग रहा है और आपने बैंक से जुड़े हुए एचडीएफसी भी दिया, बजाज फिनसर्व भी दिया है और ये आप कह रहे हैं कि ये 1400 के भी नीचे चला जाएगा। वैशाली गुड मॉर्निंग, आपके शेयर्स कौन से हैं आज के? गुड मॉर्निंग, एक्चुअली मैंने भी एम्फेसिस रेकमेंड किया था तो फिर मैं चेंज करूंगी बिकॉज कहीं किसी और ने भी अभी रेकमेंड किया था। सो एक स्टॉक मैं कहूंगी इज LTI Mindtree। वो भी हालांकि हम देख रहे हैं दैट एवरी IT स्टॉक्स आर डूइंग वेरी वेल, सो LTI Mindtree मेरा ये पिक रहेगा टू बाय विद अ सपोर्ट ऑफ 5060 और टारगेट रहेगा 5400 टू 5500। ये एक पोजिशनल ट्रेड रहेगा। दूसरा मिड कैप में रहेगा बॉम्बे डाइंग। बॉम्बे डाइंग हम देखे दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल द चॉपीनेस एंड ऑल एक नया राउंड ऑफ मोमेंटम शुरू हो गया है एंड आई थिंक 126 थोड़ा डिप आए बिकॉज ऑलरेडी एक 120 से लगातार वन वे चला है, सो मे बी अ लिटिल बिट ऑफ डिप 126 के पास खरीदा जाए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 120 फॉर अ टारगेट ऑफ 145। तो चलिए ये तो हो गई सारी की सारी रिकमेंडेशन जो हमारे एक्सपर्ट से आ गए। हम अपनी रिसर्च टीम को भी जोड़ते हैं और आज के इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को कवर करते हैं। हमारे साथ अशेषा बनी हुई है आज के सारे स्टॉक्स से न्यूज बताने के लिए। मॉर्निंग अशेषा, बताएं। जी हाँ, सबसे पहले इंटरग्लोब एविएशन की बात करते हैं जहाँ एक बड़ी ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है। इंडिगो के फाउंडर राकेश गंगवाल और शोभा गंगवाल करीब करीब 15.6 मिलियन शेयर्स बेचना चाहते हैं ब्लॉक डील के द्वारा। 450 मिलियन यूएस डॉलर्स की ये टोटल ब्लॉक डील की साइज़ होगी और 2400 रुपीज़ फ्लोर प्राइस है जो मंडे के मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो करीब करीब 5.8% के डिस्काउंट पे होगी। तो बड़ी ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है जिसके चलते इंटरग्रुप एविएशन पर आज स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा इन्फोसिस की बात करते हैं, ऑर्डर विन आया है कंपनी के लिए। कंपनी ने लिबर्टी ग्लोबल के साथ 5-year अग्रीमेंट साइन किया है। 1.6 बिलियन यूएस डॉलर्स की ये डील है और इसी के चलते कंपनी को 330 मिलियन यूएस डॉलर्स का एनुअल रेवेन्यू मिल सकता है। तो बड़ी डील है जिसके चलते इन्फोसिस पर भी आज स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा JSW एनर्जी की बात करते हैं, GQG पार्टनर्स ने करीब करीब 119.11 लाख शेयर्स खरीदे हैं। मंडे को ये ब्लॉक डील हुई थी जिसके चलते JSW एनर्जी पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी। याद रखें GQG पार्टनर्स ने हाल ही में अदानी ग्रुप, ITC, मैक्स हेल्थकेयर, पतंजलि जैसे कुछ शेयर्स स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया था और आज इन्होंने इसमें भी इन्वेस्ट किया है जिसके चलते JSW एनर्जी पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा टेम्बो ग्लोबल की बात करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आज बैठक है जहां फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे। VIP इंडस्ट्रीज़ में एक बड़ा रेजिग्नेशन आता हुआ नज़र आया है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिंद्या दत्या ने रिज़ाइन किया है। 14 अगस्त से ये इफेक्टिव हो गया है जिसके चलते VIP इंडस्ट्रीज़ पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। लास्टली IPO एक्शन में आज SBFC फाइनेंस की लिस्टिंग होगी, 10 बजे ये लिस्टिंग होगी, इसके चलते SBFC फाइनेंस पर भी अपनी नज़र रखें। ठीक है आशीषा, ये सारी की सारी खबरें आपने कंपाइल करके सबके सामने रखी हैं और दूसरा अब हम जरा अर्निंग्स पे भी आ जाते हैं। अर्निंग्स थोड़ी अब कम भी होंगी और ख़त्म भी हो गई हैं। पूजा ने कंपाइल किए हैं जो अब तक अर्निंग्स आई हैं। पूजा बताएं आप। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी, पहले ITC से शुरुआत करेंगे। नतीजे मिले जुले दिखाई दे रहे हैं। आय के फ्रंट पर देखेंगे तो एक मिस है, गिरावट आई है करीब 8.5% की, लेकिन मार्जिन और मुनाफा जो है वो हमारे अनुमान से ज़्यादा है। तो ITC के स्टॉक पर नज़र रखें नतीजों के चलते। कुछ वायदा बाजार के नतीजों की बात करें तो वोडाफोन के नंबर्स काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। घाटा बढ़ा है कंपनी का 6,418 करोड़ से बढ़कर अब 7,840 करोड़ हो चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और आय में भी मामूली
करीब 1.25% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है। हिंदुस्तान कॉपर के भी नतीजे कमजोर ही नजर आ रहे हैं। आय में 6.5% की बढ़त लेकिन मुनाफा 17% से घटा कंपनी का। और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे अगर देखेंगे तो वो मिले जुले हैं। ब्याज से आय 33% बढ़ी, मुनाफा करीब 7% बढ़ा, लेकिन एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर हमने देखा थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। अब आते हैं कैश सेगमेंट के नतीजों पर, तो ज्यादातर नंबर्स मजबूत हैं। सेनको के नंबर्स देखेंगे, आय में 30% की बढ़त, मुनाफा 22% बढ़ा कंपनी का। मैक्लॉयड रसल के नतीजे भी काफी अच्छे नजर आ रहे हैं हर फ्रंट पर। आय में 57% की ग्रोथ, मुनाफा 88% से बढ़ा कंपनी का। और आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के नतीजे भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। आय में 25% की ग्रोथ और मुनाफे में करीब 32% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। एपेक्स फ्रोजन के नतीजे कमजोर नजर आ रहे हैं। आय में 20% की गिरावट हुई है, मुनाफा 80% घटा है कंपनी का। और आखिर में IFB एग्रो इंडस्ट्रीज, यहां पर भी नतीजे वीक ही हैं हर फ्रंट पर। आय में 17% की गिरावट, मुनाफा 87% घटा है कंपनी का। ठीक है, शुक्रिया पूजा ये सारे अर्निंग्स हमें बताने के लिए। इसमें से पॉसिबल ट्रेड्स को भी अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन अब हमारे साथ ममाक्षी भी जुड़ गई हैं और हमारे साथ पार्थिव शाह भी हैं बाजार पर आज एक फंडामेंटल नजरिया देने के। पार्थिव, आपके पास आते हैं, मॉर्निंग। एक बार क्विकली ममाक्षी से आज की सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट समझ लेते हैं। ममाक्षी बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम ITC के साथ। कंपनी के नतीजे आए थे और उन नतीजों के बाद हम देख रहे हैं काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को ज़रूर बरकरार रखा, मगर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 493 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। और जेफरीज ने अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस अनचेंज रखा है 530 पर। लार्जली ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रहे हैं कि पहले तिमाही के नतीजे अनुमान से मजबूत आए हैं। ओवरऑल अर्निंग्स एक अच्छा क्वार्टर रहा है ग्रोथ फ्रंट पर। इनफैक्ट ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रहे हैं कि काफ़ी मजबूत मोमेंटम जारी है, इंडस्ट्री लीडिंग FMCG ग्रोथ नजर आ रही है और ओवरऑल काफ़ी हाई अर्निंग्स विजिबिलिटी है, जिसके चलते ये पॉजिटिव रेटिंग्स आ रही है। इसके अलावा दिवस भी हमारे रेडार पर रहेगा, जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इन्होंने अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, मगर टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाकर 4,300 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। और लार्जली ये हाईलाइट कर रहे हैं कि पहले तिमाही के नतीजे अनुमान से कमज़ोर तो आए हैं, मगर मार्जिन्स में रिकवरी अभी भी जारी नजर आ रही है। नियर टर्म ग्रोथ ड्राइवर भी नजर आ रहे हैं और इनफैक्ट नए ग्रोथ एवेन्यूज भी किक इन हो सकते हैं FY25 ऑनवर्ड्स, जिसके चलते उनकी तरफ से खरीदार की राय आ रही है। इसके अलावा इंडियाबुल्स हाउसिंग भी फोकस में रहेगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अंडरवेट की राय आ रही है, मगर इन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 103 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। इनका कहना है कि PPOP अनुमान से कमज़ोर आया है लोअर टोटल कम के चलते और हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट के चलते, मगर ये लोअर PPOP ऑफसेट हुआ है लो रिकवरी लेट क्रेडिट रिवर्सल्स के चलते। ओवरऑल कंपनी, उनका कहना है, हाई राइट स्टेप्स ले रही है। ROE में हालांकि थोड़ा सा और समय लग सकता है रिकवरी के लिए। इसके अलावा CGA कंज्यूमर भी हमारे रेडार पर है। नोमीरा हाईलाइट कर रहे हैं कि पहले तिमाही के जो मार्जिन्स है वो अनुमान से कमज़ोर आए हैं, इन्वेस्टमेंट्स के चलते ग्रोथ तो ड्राइव हो सकती है मगर मार्जिन्स थोड़े से लो रह सकते हैं, वैल्यूएशंस फेयर जोन में नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते उनकी तरफ से उन्होंने अपनी राय को डाउनग्रेड किया है, खरीदारी की राय से न्यूट्रल की राय दी है। टारगेट प्राइस भी उन्होंने घटाकर 338 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे PVR INOX पर। हम देख रहे हैं कि UBS की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, ये हाईलाइट कर रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ करीब 27% पर हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये नेट टिकट सेल्स रेवेन्यू करीब 850 से 950 करोड़ के बीच में रह सकता है क्वार्टर टू में, और इसी के चलते खरीदारी की राय आ रही है। टारगेट प्राइस इनकी तरफ से आ रहा है 2,100 रुपये प्रति शेयर का। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन सारे स्टॉक्स में पॉसिबल ट्रेड्स ढूंढते हैं। इनफैक्ट PVR में तो काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। हमने देखा कि ये वीकेंड, प्रियंका आपको पता है, भारत ने 140 करोड़ खर्च किए सिर्फ मूवीज देखने पे, और गदर ने तो गदर ही मचा रखा है। लेकिन सिर्फ गदर ही नहीं, इस 140 करोड़ में आधा हिस्सा लगभग गदर का है। वो बॉक्स ऑफिस का डेटा लेके आइए डॉक्टर साहब, जो प्रशांत ने शेयर किया सुबह सुबह कि 140 करोड़ में आधा गदर 2 से आया है। आपने देखी गदर 2? नहीं, मैं नहीं देख पाया, लेकिन मेरे सारे दोस्त मेरे को रेकमेंड कर रहे थे। अच्छा, ओके, वेरी नाइस। लेकिन उसके अलावा भी जेलर आपका, ओ माय गॉड, ये वीकेंड, ये जो कल जो छुट्टी आई, लोग अपने परिवार वालों के साथ ये डेटा देख के। खैर, PVR में एक्शन देखना पड़ेगा। PVR 4.5% ऊपर था और 1700 के ऊपर ही क्लोजिंग को कैसे समझना चाहिए। पार्थिव, आपने देखी कोई मूवी इसमें से, और इस भाव पे PVR आपको कैसा दिखता है, लेना चाहिए और चलेगा? गुड मॉर्निंग अजय, हमारे पैनलिस्ट व्यूअर्स। अजय, एक्चुअली अहमदाबाद तो काइंड ऑफ खाली था, पता नहीं दूसरे सिटीज का पता नहीं, लेकिन एवरीवन हैज गॉन एंड एंजॉयड द लॉन्ग वीकेंड, तो काफी खाली लगा, तो अच्छा फीलिंग आ रहा था। रोड पे इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, अनफॉर्चुनेटली एक भी मूवी नहीं देख पाए,
लेकिन वी हैड अ वेरी रिलैक्सिंग टाइम। बट यस, आप पीवीआर की जो बात कर रहे हैं, आई थिंक देखिए पीवीआर में अराउंड 52% रेवेन्यू टिकट सेल से आता है। जो सेगमेंट है वो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जिस तरह का ग्रोथ है और उनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है टिकट्स का, आई थिंक वो कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है एंड फुटफॉल्स आर इंक्रीजिंग बिग टाइम। फूड एंड बेवरेजेस से 35% जितना रेवेन्यू जाता है तो वहां पे डेफिनेटली एक प्रॉक्सी है, अगर इतना टिकट फुटफॉल्स रहता है तो फिर फूड एंड बेवरेजेस भी ग्रो होगा। तो आई थिंक ये स्टॉक काफी समय से अंडर परफॉर्मर रहा है और अभी अच्छी बात ये है कि विद आईनॉक्स की सिनर्जी जहाँ पे छोटे स्क्रीन साइज भी उनके पास है, सो दे आर एबल टू केटर टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। तो आई थिंक ओवरऑल सिनर्जी बेनिफिट्स अभी मुझे लग रहा है कि जिस तरह के लॉन्चेस है और जिस तरह की पाइपलाइन है, तो मुझे लग रहा है कि ये साल आई थिंक पीवीआर आईनॉक्स के लिए एक अच्छा रहेगा और आई थिंक इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म की अवधि के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी दूसरे लिस्टेड में कंपेरेबल पीयर्स है वो इससे बहुत बहुत छोटे हैं। तो आई थिंक कोई भी नया फंड फ्लो आता है ये स्पेस के लिए, उनको अगर इंटरेस्ट रहता है तो पीवीआर आईनॉक्स बिकम्स द ओनली प्रॉक्सी। 20 साल की उम्र में गदर काट दिया, ये तो बहुत अपने आप में ही एक इंस्पिरेशनल चीज है। व्हाट अ कमबैक! तो इसलिए एज इज जस्ट अ नंबर। एज को समझ के आप ये समझ ये मत मानिए कि गेम ओवर हो गया है। करेक्ट, कई बार गेम शुरू होता है। इन्वेस्टिंग में भी वैसे उम्र के साथ आप बेहतर बनते जाते हैं। हाँ। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर डिस्कस करना बाकी है। ये बताइए, सुमित मूलचंदानी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनकी दाढ़ी जो है वो गदर टू वाले हमारे सनी पाजी के साथ थोड़ी थोड़ी मैच कर रही है। हाँ सुमित बाबू, ये बस सर बताइए पगड़ी पहनना बाकी है। ये बात तो है। ये बताइए, आपका इंडिगो में एक जबरदस्त चाल आई है, करीब 1700-1800 वाला इस समय 2400 के ऊपर बैठा हुआ इंडिगो। और क्यों ना हो, क्योंकि अब ये ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट रह गया है। दो तीन बड़े प्लेयर हैं, उनमें से सबसे बड़े प्लेयर इंडिगो है। लायंस शेयर कारोबार का पूरे सेक्टर का इनके पास है और अब एक सप्लाई आ रही है। करीब आज एक बड़ी ब्लॉक डील गिरने वाली है। इस ब्लॉक में 2500 के ऊपर, इनफैक्ट नहीं 2400 के, नहीं 2500 के ऊपर 1.5 करोड़ शेयर आएंगे। क्या लेना चाहिए इस भाव से? जी देखिए, यहाँ पे दोनों चीजें हैं जो आपने बात बोली कि मार्केट शेयर, मार्केट शेयर में बिल्कुल इंडिगो का इस टाइम पे बहुत बड़ा हाथ है। आप कंपेयर करेंगे अगर प्राइसिंग प्रीवियस टू ईयर्स के, तो इट इज ऑलमोस्ट ऑन द हाई। आप पिछले वीकेंड में देखिए, जो भी सेक्टर आप ले लीजिए सबके प्लस 5 डिजिट्स का फेयर चल रहा था। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स भी बहुत अच्छी आएंगी। टेक्निकली अगर बात बोले तो यहाँ पे 5-6 सेशन से कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे कभी भी मुझे गैप मिल रहा है और नीचे के साइड में मुझे लेवल्स मिल रही है 2300 के करीबन का, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा और यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। मुझे लग रहा है कि आगे चल के ये चीज का बेनिफिट मिलना है और आगे चल के फेस्टिव सीजन भी आने वाला है, तो स्टॉक न्यू हाई की तरफ जाएगा। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रखिए आप। ठीक है, तो इंटर ग्लोबल एविएशन पे बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी है। पार्थिव, आप ये जी एंटरटेनमेंट के शेयर में किस तरीके अप्रोच रखनी चाहिए? देखिए, मर्जर वाला काम तो पूरा हो गया, लेकिन पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा को लेकर जो सेबी इस समय बयान दे रहा है कि अभी तो उन पर रोक है और वो कोई डायरेक्टर नहीं बन सकते, कहीं ऐसा तो नहीं है ये तो अच्छी खबर मानी जाए जी एंटरटेनमेंट के लिए? क्योंकि इन्हीं से तो प्रॉब्लम थी और अभी सेबी ने मामले को दो हिस्सों में फाड़ दिया कि आप पुनीत जी को, सुभाष जी को हमको दे दीजिए, कंपनी अब मर्जर करके आगे बढ़ जाइए जैसे आपको ठीक लगता हो। हाँ, तो ये हो सकता है जी के लिए एक और ट्रिगर पॉइंट बन जाए, पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट बन जाए। आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? जी आपने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट बताया कि इवेंचुअली ये मर्जर के बाद आई थिंक सोनी विल टेक दी अपर हैंड, और ऐसा ही लग रहा है कि सोनी उनकी पूरी टीम रिवैम्प कर सकती है। तो उस लिहाज से ये काइंड ऑफ नॉन इवेंट है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ करंट वैल्यूएशंस और करंट अभी जो सिनर्जी बेनिफिट्स है वो आने के काफी टाइम लगेगा। बिकॉज ओवरऑल अगर देखें तो जिस तरह का ये मूव आ गया है, इट इज डेफिनेटली फैक्टरिंग इन द बेनिफिट ऑफ द मर्जर, क्योंकि बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी थी, बहुत बड़ा ओवरहैंग था कि वेदर ये मर्जर पास होगा कि नहीं। लेकिन एनसीएलटी की अप्रूवल के बाद अभी लग रहा है कि दिस इज अ सूनर इवेंट, तो उस लिहाज से स्टॉक काफी रिडेट हो गया है। एक आई थिंक हैंगिंग स्वॉर्ड जो रहेगा ये कंपनी के लिए, वो उनका प्रोडक्शन का इन्वेंट्री लेवल है, ये काफी बलून हो चुका है। तो हमें लग रहा है कि एक बार पूरा कंट्रोल आता है सोनी के पास तो आई थिंक थोड़ा राइट ऑफ लगेगा, और आने वाले काफी क्वार्टर्स आई थिंक शायद इतने अच्छे ना हो, जो हमने काफी पास्ट में भी देखा है जब मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होता है तो जो नया मैनेजमेंट है वो काइंड ऑफ क्लीन अप करता है। तो मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को डिस्पाइट दिस मर्जर अनाउंसमेंट आई थिंक अच्छे एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पे नई एंट्री लेना आई थिंक उचित नहीं है।
ठीक है, नई एंट्री लेना तो उचित नहीं है, लेकिन कई रिपोर्ट्स ऐसी थी जो 300 प्लस तक का टारगेट दे रही थी। आपको मामले को सिर्फ आज की बात से नहीं देखना होगा, इसको पीछों की कड़ी से अगर आप जोड़ेंगे ना, तब आपको ये मामला थोड़ा ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा क्लियर दिखेगा, और ये लग रहा है कि जी एंटरटेनमेंट के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है यहाँ से। खैर एनी हाउ, एक शेयर और है जिसपे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला भी था, वो भी आया और साथ ही साथ उसके नंबर्स भी आए, वो थे ITC। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। सुमित आपसे सवाल है, ITC के नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर होंगे और इस पर एक खबर यह है कि 10 ITC के बदले में एक होटल्स का शेयर मिलेगा। शेयर में कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रही थी रिजल्ट्स आने से पहले, ये बिल्कुल लैकलस्टर शेयर हो गया था, पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा था फॉल में और चल भी नहीं रहा था। ये पोस्ट नंबर्स भी ऐसे ही करेगा सुमित? मुझे लग रहा है थोड़ा सा अभी डिप आ सकता है ये स्टॉक में। देखिए स्टॉक ने अपना एक हाई बनाया था करीबन 498 का, वहां से एक बेरिश साइन फॉर्मेशन हुआ था जिसकी वजह से काफी नीचे भी आया हुआ है। 449 के करीबन 445 के करीबन सपोर्ट लिया हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि और भी थोड़ा सा डिप आएगा। मैं यहाँ पे सेल ऑन राइस का स्ट्रेटेजी रखूंगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 460, और मुझे लग रहा है कि अभी भी ये 430 की लेवल तक आ सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल कोई इन्वेस्टर है बिल्कुल आप यहाँ पे बने रहिए, और यही मैं सेम एज अ स्टॉप लॉस भी मेंटेन करूंगा जिनके पास ऑलरेडी बाइंग है। लॉन राइस करेंगे इस वक्त ITC पर, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और अब हमारे साथ स्टूडियो में इस कुणाल बोथरा भी आ गए, आइए उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। मॉर्निंग कुणाल, आज ट्रेड्स कौन से ध्यान रखने चाहिए? ऑफकोर्स जो सोमवार को एक रिकवरी ट्रेड को देखकर शायद लॉन्ग्स लेके गए होंगे, क्या आज थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है? क्या ट्रेड्स आज आपको सेफ बेट्स लग रही हैं? तो लॉन्ग पोजीशंस तो मेरे मन से इंडेक्स में ज़्यादा बनी नहीं है, बिकॉज इंडेक्स की जो OI है वो एकदम न्यूट्रल जोन पे आ चुकी है, ज्यादा मेजर बिल्टअप नहीं आ रहा, बिकॉज यू नो एक्साइटमेंट नहीं है मार्केट्स में। और जब एक्साइटमेंट नहीं होता है तब हम देखते हैं कि पोजीशन बिल्टअप जो होती है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाती है, एक न्यूट्रल टेरिटरी पे आ जाती है। यहाँ पे जनरली हम देखते हैं कि IVs जो इम्प्लाइड IVs है वो ड्रॉप डाउन हो जाते हैं, बिकॉज बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे ऑप्शंस की शॉर्ट स्ट्रेटजीज मेंटेन करते हैं। बट स्टॉक स्पेसिफिक मेरे अनुमान से आई थिंक दो, एक बाय और एक सेल इनिशिएट करूंगा यहाँ पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज जिस स्टॉक ने लास्ट दो दिन से अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया है, एक माइनर स्विंग ब्रेकआउट भी दिया है चार्ट्स पे 2500 क्रॉस करके, उसको मैं बाय के लिए सजेस्ट करूंगा। 2640 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, 2540 का स्टॉप लॉस। और टाइटन जो स्टॉक ने बाउंस कर चुका है लास्ट 3 या 4 दिन में, आई थिंक 100 रुपये का एक आसपास बाउंस आ चुका है टाइटन में, 2900 से 3000 के ऊपर क्लोज किया है स्टॉक ने, वहाँ पे मैं शॉर्ट इनिशिएट करूँगा, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक शायद एक डाउनवर्ड ट्रेंड पे है और एक बाउंस एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने के लिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा सेल टाइटन पे, 2900 का टारगेट, स्टॉप लॉस 3060। ओके, तो आज एक ही स्टॉक है कुणाल? टाइटन और रिलायंस। अच्छा सॉरी, टाइटन और रिलायंस को आप यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल ये दोनों स्टॉक्स हमें रेकमेंड करने के लिए। टाइटन पर सेल, लेकिन इस बीच कुछ स्टॉक्स जो हमने शुक्रवार को देखा था, क्योंकि डिवीज लैब के नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद वहाँ पर हमने एक सर्ज भी देखा, स्टॉक अच्छा रिकवर भी हुआ था। अब कुछ ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स भी हैं, जेफरीज का भी व्यू है, उन्होंने कहा कि एस्टिमेट भले ही मिस हुए लेकिन मार्जिन जो है वहाँ रिकवरी देखने को मिली, और ये उस दिन जो कॉमेंट्री आई थी वहाँ पर भी क्लियरली मैनेजमेंट ने था। क्या आज फर्दर बाइंग का मौका डीवी स्लैब पर ढूंढना चाहिए? एक टेक्निकल राय ले लेते हैं, अक्षय भागवत है हमारे साथ। अक्षय बताएं, डीवी स्लैब पर आप क्या करेंगे? डीवी स्लैब अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखें तो ये फार्मा सेक्टर काफी हेल्दी चला था पूरे जुलाई महीने में, अगस्त महीने में भी कैरी फॉरवर्ड करा था, पर गए कुछ दिन में थोड़ा सा इसमें मुनाफा वसूली देखने को मिला है। पर हमारा मानना है कि ये डिफेंसिव बेट है, FMCG और फार्मा करंट मार्केट सिनेरियो में जहां पे मार्केट एक स्लिपरी टफ पे है, ये वापस इनमें थोड़ी सी बाइंग या उछाल देखने को मिल सकती है। तो जरूर आप डीवी स्लैब को बाय कर सकते हैं, या अपने पोर्टफोलियो में है तो होल्ड करके चले, यहां से आपको करीबन वापस एक 100 से 150 रुपए की उछाल देखने को मिल सकती है ट्रेडिंग की तरफ से। और करंट रेट से अगर आप बाय कर रहे हैं 1 to 1.5% का स्टॉप लॉस करंट रेट से बना के चले। ओके, इनफैक्ट कंज्यूमर स्टॉक्स में और ये लार्ज कैप फार्मा में ये दो एरियाज बाजार को डिफेंसिव लग रहे हैं और नीचे से रिबाउंड भी यहाँ पे अच्छे आ रहे हैं। जतिन, मैं आपसे JSW एनर्जी डिस्कस करना चाहूँगा, बहुत ही शानदार स्टॉक। इनफैक्ट JSW एनर्जी 200 रुपये के भाव से काफ़ी अच्छा चल रहा है, यहाँ हम ट्रैक भी कर रहे हैं स्वदेश पे, आपको कई बार JSW एनर्जी नोटिस करवाया है, किस हिसाब से ये अपने प्रीवियस पीक, एक राउंड पिछले साल इसका हुआ था 60 वाला 400 गया था,
वन साइडेड, उसके बाद 200 तक करेक्ट हुआ, अब वापस इसकी जर्नी शुरू हो गई है। और परसों हमने देखा जो लास्ट आर ऑफ ट्रेड में 1.4% ब्लॉक हुआ था वो एक्चुअली जीकेजी पार्टनर्स ने किया। ये बड़ा नाम है अदानी में, बड़े इन्होंने पैसा कमाया, बहुत अच्छी डिप्रेस वैल्यूशन में बहुत बड़ा माल लिया था, हमने आपको पूरा हवाला दिया इसका, और वहां से कई स्टॉक तो डबल भी हो गए। तो ये जब से जीक्यूजी का नाम आया है चर्चा में, हाँ, में आ गया है, बट हमारे रेडार पे ये जीक्यूजी के बहुत पहले पहले से आप जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात कर रहे हैं, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों को हाँ, रेडार पे रखना चाहिए, अच्छे फ्लोज हैं। लेकिन मैं जतिन से चार्ट डिस्कस करना चाहूंगा, 350 का भाव है, इस भाव से या आपको लगता है कि एक थोड़ा चल गया है बीच में, किस लेवल्स पे रिट्रेस हो तो वापस एंट्री लेनी चाहिए जतिन? देखिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी की मैं अगर जो बात करूं तो एक थोड़े लंबे टाइम फ्रेम का अगर जो मैं बात करूं तो वीकली और मंथली चार्ट्स पे जो प्रीवियस जो कपल ऑफ स्विंग्स आए थे जो सितंबर 2022 और उसके पहले अक्टूबर 2021, तो ये दोनों स्विंग्स आए को ज्वाइन करके हम जो एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं वो ट्रेंड लाइन के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ऊपर में एक बाइंग इंटरेस्ट है। डेफिनेटली ये जो हमने शार्प रैली देखी हुई है लास्ट वीक में, तो हमें लगता है कि ये ट्रेंड लाइन को जो ब्रेकआउट हुआ है वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक रीटेस्ट करने एक नीचे आ सकता है, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जब भी अगर 325 या अराउंड ज्यादा से ज्यादा 340 अगर जो ये जोन पे भी अगर जो रिट्रेस करे या पुल बैक आए तो डेफिनेटली इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। एज अ डिस्क्लेमर आई वॉन्ट टू शेयर के हम ये हमने स्टॉक हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी दे दिया है, तो इसके लिए मेरा व्यू बायस्ड हो सकता है। ऊपर में हमें लगता है कि शायद 380 इमीडिएटली और ऊपर में 400 यहाँ तक के जो लेवल्स है वहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हमें देखने चाहिए, तो करंट मार्केट भाव से नहीं लेकिन थोड़ा एक डिप आए तो वहाँ पे भी बाइंग कंसिडर करनी चाहिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की तरफ राह देखें और 400 रुपए के टारगेट मुमकिन है, एक पोजिशनल व्यू जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे। एक और फार्मा स्टॉक है, वैशाली कम डिस्कस होता है लेकिन मीठे मीठे चलता रहता है वो, इनफैक्ट बहुत ओवरसोल्ड था वहां से थोड़ा सा चला है, वो है ग्लेनमार्क। रेटर साहब आप ग्लेनमार्क फार्मा के 3 महीने 6 महीने का चार्ट लेके आइए, ऑलमोस्ट 800 रुपए हो गया है और ट्रेड ग्लेनमार्क में है लेकिन खबर है ग्लेनमार्क लाइफ में। खबर यह है कि ग्लेनमार्क लाइफ में स्टेक बेचना चाहता है, तो पैसा आएगा ग्लेनमार्क में, माल बिकेगा ग्लेनमार्क लाइफ में और लेगा कौन? निर्मा ने एक सोल बिडर बन के आया है, कल की खबर है ये। ग्लेनमार्क लाइफ के भी चार्ट को दिखा दीजिए लगे हाथ, इनकी ग्रुप कंपनी है तो ट्रांजेक्शन तो उसमें हो रहा है लेकिन पैसा आएगा ग्लेनमार्क में, शायद इसी की आहट से स्टॉक चलना शुरू हो गया है। लेकिन 800 रुपये के भाव से वैशाली क्या ट्रेड है इसमें ग्लेनमार्क में? फिलहाल तो कंसोलिडेशन पे है और जैसे कि चार्टिकल प्रेजेंटेशन है 830 का एक डबल टॉप बन चुका है, तो कन्विक्शन आएगा 830 के ऊपर दोबारा जाए तो फर्दर रन अप हो सकता है, बट वेल एट द सेम टाइम 770-780 का एक अच्छा सा सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट पे जरूर चांस लिया जाए बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विल बी फेवरेबल और वहां से अगर रन अप शुरू हुआ होता है वेट फॉर 830 क्रॉस करता है तो फर्दर कन्विक्शन। आपको लास्ट का ट्रेड ध्यान होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने काफ़ी बड़ा योगदान दिया था बाजार को वापस 19400 के आसपास या उसके ऊपर क्लोज करवाने में, क्या रिलायंस आज भी चलेगा, क्या रिलायंस के अंदर उतना दम है कि बाजार को गिरने से रोक लेगा, एक बार ये भी पता कर लेते हैं। जतिन एक बार आप चेक करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट और देख के जरा ये बताइए ये बाजार की कितनी हेल्प करने में सक्षम है, बाजार को नीचे नहीं आने देगा स्पेशली 19300 के तो नीचे नहीं आने देगा। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो अगर मैं बात करूं जो फॉलिंग सॉरी राइजिंग क्रूड प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं रिलायंस को एक सपोर्ट दे रहे हैं और टेक्निकली अगर जो मैं बात करूं तो हमें लगता है कि जो रिसेंट के जो स्विंग्स आए अराउंड 2630 और नीचे एक सपोर्ट बनता है अराउंड 2475 के आसपास, तो हमें लगता है कि पिछले 3-4 वीक से यही ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन जो है वो जारी रहेगा, हमें नहीं लगता है कि कोई भी साइड एक ट्रेंडिंग मूव देखने मिलेगा। हाँ जरूर 2630 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज देता है तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि एक नई लेग और एक नया वेव ऑन दी अपसाइड्स शुरू हो गया है, लेकिन वहाँ
वहां से ऊपर जाने के लिए हमें लगता है कि अभी थोड़ा टाइम है, हमें लगता है कि ये कंसोलिडेशन अभी भी जारी रह सकता है। इसके लिए पॉजिटिव व्यू है 26-30 के ऊपर एक अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा हो सकता है, लेकिन अभी तक जब तक ये रेंज में है हमें लगता है कि कहीं ना कहीं 26-30 के आसपास फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। ये थे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, और इसमें भी अच्छी खासी मूवमेंट बनी हुई है, और यहाँ पर भी बल्क डील में अबेकस ने भी इसमें ब्लॉक लिया है, और साथ ही कुछ और कंपनियों के भी नाम आए हैं जहाँ पर इसमें अच्छी बल्क डीलिंग हुई है। क्या इस स्टॉक में आज फर्दर मोमेंटम दिख सकता है, आप इसे लेंगे अक्षय? उज्जीवन फाइनेंशियल का अगर मैं चार्ट पैटर्न देखूं तो अभी भी एक स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है इसमें। करीबन अगर आप ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो 49.7 का रेट चल रहा है, यहाँ पे ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, हायर टॉप्स और हायर लोज का फॉर्मेशन है, तो जो रिसेंट स्विंग लो था वो 47.5 था, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। हालांकि थोड़ा ओवर स्ट्रेस के स्टॉक ट्रेडिंग पैरामीटर्स में, तो मैं कहूंगा कि अगर आप एक दो दिन का व्यू रखते तो थोड़ा इसको अवॉइड कर दीजिए, अगर आप 10 से 15 दिन का व्यू रखते हैं या होल्ड कर रहे हो तो जो मैंने स्टॉप लॉस बोला उसके साथ होल्ड करके चलना, ऊपर में आपके टारगेट बनेंगे इसके 55 तक। पर कि आपके थोड़े से पोजिशनल टारगेट आप बता रहे हैं, लेकिन आप थोड़े से एंट्री प्राइस को जरूर कॉशियसली चेक करें, अभी एक आध दिन के लिए अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं अक्षय। लेकिन आज पोर्टफोलियो में कौन से दो नए स्टॉक्स ऐड करने का मौका है मुनाफे का फंडा, आज हमारे साथ सनी अग्रवाल, आइए उनसे बात करते हैं। मॉर्निंग सनी, बताएं आज कौन सी आपकी रिकमेंडेशंस? या गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग अजय जी, सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। आज का मेरा पहला पिक रहेगा मारुति सुजुकी, अभी जो मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है उसके चलते मुझे लगता है कि क्वालिटी बिजनेसेस पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, और मेरा पहला पिक रहेगा मारुति। करंट मार्केट प्राइस 9321 रुपीज है, और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 10,600 रुपीज। इन्वेस्टमेंट होराइजन 6 से 12 महीने का रहेगा। अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो वन ऑफ द लीडिंग पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर है इंडिया का, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। रिजल्ट फर्स्ट क्वार्टर के मिक्स रहे थे, जहां हमने देखा कि थोड़ा बहुत मार्जिन में प्रेशर आया था ड्यू टू इंक्रीज इन एड स्पेंड और डिस्काउंट के चलते हुए। हालांकि अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ तो प्रॉफिट तकरीबन 145% से बढ़ करके 2500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। कंपनी का जो एसयूवी का मार्केट शेयर है अब वो 20% पे पहुंच चुका है, और कंपनी के जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं वो एसयूवी सेगमेंट की ओर है, उसके चलते मुझे लगता है कि इनका मार्केट शेयर एसयूवी सेगमेंट में और बढ़ेगा। ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, तकरीबन 3,55,000 यूनिट की ऑर्डर बुक थी फर्स्ट क्वार्टर के एंड में। कंपनी ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट भी की थी जिसमें जो सुजुकी मोटर का जो गुजरात का प्लांट है ये कंपनी 100% से उसमें एक्वायर करेगी, और फिर अगले 10 साल में इसकी कैपेसिटी भी एक्सपेंड करेगी। करंट मार्केट प्राइस पे शेयर तकरीबन 27 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल FY24 के अर्निंग्स पे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि क्वालिटी बिजनेस है, पोर्टफोलियो में ग्रेजुअली ऐड करना चाहिए। और एक मेरा दूसरा पिक रहेगा आज का, वो है डिफेंस सेक्टर से, जो कि मजगांव डॉक लिमिटेड। एट करंट मार्केट प्राइस ऑफ 1863 मार्केट कैप तकरीबन 37,500 करोड़ है, मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 2500 करोड़ का, 2500 रुपीस का सॉरी, विद अ ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ। अगर हम कंपनी के रिजल्ट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर के नंबर काफी अच्छे नंबर्स पोस्ट किए थे कंपनी ने, सेल्स ईबिटा और पैट तकरीबन 2%, 30% और 32% बढ़ करके 2400 करोड़, 400 करोड़ और 300 करोड़ के नंबर कंपनी ने दर्ज किए थे। कंपनी की ऑर्डर बुक काफी रोबस्ट है, तकरीबन 39,000 करोड़ की ऑर्डर बुक थी फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, और ये जो ऑर्डर बुक है ये पूरी एग्जॉस्ट होगी 2027 तक। इन एडिशन कंपनी की 40,000 करोड़ की जो ऑर्डर बुक की पाइपलाइन कंपनी ने बिड कर रखी है, तो अगर मैं ये दोनों 40,000 करोड़ की ऑर्डर बुक लेता हूँ तो ये पूरी जो ऑर्डर बुक है 80,000 करोड़ की, इन्हें लिक्विडेट होने में 2034 तक का समय लगेगा। इसके अलावा कंपनी ने और तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के ऑर्डर्स के लिए बिड कर रखा है, तो मुझे लगता है कि कंपनी इज नाउ वेल पॉइज्ड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 15% CAGR फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, और ये एक क्वालिटी बिजनेस पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। अगर वैल्यूएशन की बात करते हैं तकरीबन 26 टाइम FY25 अर्निंग पे चल रहा है,
कंसिस्टेंटली कंपनी 30% डिविडेंड पे आउट करती है, रिटर्न रेशियो 25% है ना बोए एक ये पोर्टफोलियो में मजगांव डॉक एक आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के नजरिए से होना चाहिए। मजगांव डॉक और मारुति दो मुनाफे के फंडे सनी अग्रवाल की तरफ से। सनी शुक्रिया ये स्टॉक्स डिस्कस करने के लिए। आपने ऑटो की बात छेड़ी दी है तो महिंद्रा पे चर्चा बनती है। महिंद्रा के हम आपको कुछ विजुअल्स और के पिक्चर्स दिखाते हैं पहले, उसके बाद हम मैनेजमेंट को लेके आएंगे। खबर ये आई है कि उन्होंने ग्लोबल पिकअप ट्रक अपना दिखाया है और लॉन्च किया है, और इसमें खास बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक वर्जन है। इनफैक्ट उन्होंने कमेंट्री भी दी है कि आगे चल के सारी गाड़ियाँ इनकी इलेक्ट्रिक होंगी, और एक इलेक्ट्रिक नया सिंबल भी महिंद्रा का इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सिंबल शेयर किया है। पार्थिव क्या शानदार ट्रक नज़र आ रहा है, देख रहे हैं आप विजुअल्स, ये इलेक्ट्रिक थार है महिंद्रा की। महिंद्रा के स्टॉक में थोड़ी सी नरमी दिखी थी जब ये पूरा मामला आया था आपका ये RBL बैंक में स्टेक का, लेकिन वापस 1500 के ऊपर आ गया है। जिस अगर ये इस उसी स्पीड से अपनी पूरी फ्लीट को इलेक्ट्रिक कर लेता है, लोगों को लगता था कि ये डीजल की तरह ज़्यादा टिल्टेड है, बट जो स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है मुझे लगता है इसमें बाइंग आएगी इस मामले को लेके कि ये अपनी पूरी फ्लीट को बदलना चाहते हैं बहुत तेज गति से। पार्थिव अजय एक चीज है, रिसर्च में कभी कभी ऑटो रिसर्च में बहुत आता है क्योंकि महिंद्रा जैसी और बहुत सारी दूसरी कार्स है उसका आप एक स्कटलबट ऐसा भी कर सकते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे जैसे ऑटो कार इंडिया है वैसे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका यूएस यूरोप के जो कार एंथुजियास्ट है वो लोग ने काफी महिंद्रा की कार्स की रिव्यू की है एंड दे आर सीइंग एट द प्राइस पॉइंट यू नो दीज कार्स आर फैंटास्टिक। तो एक ग्लोबल थम्स अप है और जो फ्लीट है और महिंद्रा की जो थार उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो कॉन्सेप्ट दिखाया इलेक्ट्रिक का दैट इज लुकिंग स्मैशिंग। तो 2027 में वो लॉन्च करने की बात हो रही है। ये पिकअप है आई थिंक पिकअप में हम जानते हैं फोर्ड F-150 है जो वर्ल्ड का लीडर है लेकिन महिंद्रा कैन मेक वेरी गुड इनरोड्स, यहाँ डिमांड अच्छी हो सकती है। तो ओवरऑल आई थिंक जो पाइपलाइन है इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वी आर वेरी अपबीट ऑन महिंद्रा एंड वी आर नॉट पट अप विद द फैक्ट कि जो 500 करोड़ का कैपिटल एलोकेशन है I think it's not at all a big deal as compared to the size of the balance sheet of Mahindra. एक स्टॉक आपको इंपॉर्टेंट मार्क करा दूं अभी और वो मैं वैशाली से डिस्कस करना चाहूंगा, रेलिगेयर एंटरप्राइजेस। ये सिर्फ JSW एनर्जी में ही नहीं रेलिगेयर एंटरप्राइजेस में भी ब्लॉक्स हो रहे हैं। अभी आप लेके आइए इसका चार्ट और ये 200 के ऊपर आ गया है एक अच्छे करेक्टिव फेज के बाद, और बाजार में जो पुराने लोग इसको वॉच करते हैं उनका ये व्यू है कि शायद इसमें राउंड टू शुरू हो रहा है। एक इसमें राउंड हुआ था 30-40 रुपए वाला, 200 के ऊपर गया फिर ज़बरदस्त करेक्ट हुआ, और जब इसने इनमें रेजोल्यूशन वगैरह आ गया है अब इसका राउंड टू शुरू हो रहा है। वैशाली क्विक व्यू रेलिगेयर का चार्ट्स पे। So definitely weekly chart भी improve हो चुके हैं, daily chart also strong uptrend. So now support रहेगा 200 का और वहां से हम देख सकते हैं that yes this stock is ready for a target of 245-250. ठीक है, एक शेयर और पता करते हैं जहां पे अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, वह जुबिलेंट फूड वर्क को छोड़ते हैं, हुड को देखते हैं। हुडको के अंदर अक्षय एक बार आप चेक करेंगे हुडको का चार्ट, इसके अंदर चांसेस कितने की और चल सकता है ये? हुडको का मैं चार्ट देखूं तो अभी भी एक बहुत ही पॉजिटिव सेटअप है हुडको में, तो हालांकि थोड़ा सा ओवरबॉट है तो ट्रेडिंग के लिए इफ्स एंड बट्स रहेंगे एंट्री के लिए, बट ओवरऑल जो चार्ट सेटअप है ये आपको 80 प्लस के टारगेट दे रहे हैं, करंट रेट 67.5 का था क्लोजिंग, तो पॉजिटिव सेटअप है बाय बना के चले, पर ये मोर ऑफ अ पोजिशनल टारगेट रहेगा और 1.5 से 2 महीने की अवधि रहेगी इसमें। स्टॉप लॉस ये ट्रेड में आपका 55 के नीचे बनेगा, तो पॉजिटिव सेटअप है बाय करके चले, बस एक दो दिन वाली बात है। तो मैं कहूंगा अगर आपको 63 या 64 के रेट में एंट्री मिल जाती तो एक रिस्क रिवॉर्ड के पे ऑफ से सही ट्रेड बनता। थोड़ी देर पहले M&M की चर्चा हो रही थी, तो पहले इससे पहले थार की गाड़ियों की हो रही थी, लेकिन M&M अपने फार्म ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट्स के लिए भी काफ़ी जाना जाता है, और इसी सेगमेंट में उन्होंने नए ट्रैक्टर ओझा को लॉन्च किया है। इसकी पूरी डिटेलिंग हमारे सहयोगी हैं सुमित चतुर्वेदी, उन्होंने की है, एक बार उन्हीं से कनेक्ट करते हैं, जरा समझते हैं। बड़ा दिन है आज महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए, हम साउथ अफ्रीका के केप टाउन में हैं और यहाँ पर महिंद्रा ने अपना ओजा जो प्लेटफॉर्म है ट्रैक्टर का वो दिखाया है, उसके साथ
दो नए ट्रैक्टर लॉन्च किए, कुल मिलाकर 7 ट्रैक्टर आएंगे यहाँ पर और इससे महिंद्रा अपनी पूरी जो ग्लोबल मार्केट है उसको एड्रेस करेगा। अगर डेटा की बात करें तो 25% जो ग्लोबल मार्केट है ट्रैक्टर की, फार्म इक्विपमेंट की, उसको इससे एड्रेस किया जाएगा और सभी 6 कॉन्टिनेंट्स में इसे बेचा जाएगा। पर मेन जो मार्केट्स हैं वो होंगी इंडिया की, एशियान की और नॉर्थ अमेरिका की। पिछले साल महिंद्रा एंड महिंद्रा को लगभग 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर बेचे थे, रिकॉर्ड ईयर था। इस साल उसे उम्मीद है इससे ज्यादा ट्रैक्टर बेच पाएगी, इसलिए नया प्लेटफॉर्म जो है वो ट्रैक्टर का दिखाया गया है और 7 ट्रैक्टर सब मिला के आए जाएंगे। जो 2 नए ट्रैक्टर लॉन्च किए गए हैं वो 5.5 लाख रुपए और 7.5 लाख रुपए करीब के हैं और सब मिला के बहुत 20 से 70 HP की पावर के बीच ये सब ट्रैक्टर्स लॉन्च किए जाएंगे। तो बहुत बड़ा प्लान है इसका महिंद्रा एंड महिंद्रा का अपने ट्रैक्टर्स को लेकर, इसलिए ये जो है वो केप टाउन साउथ अफ्रीका में इस सब को लॉन्च किया गया है। सुमित चतुर्वेदी, इतना स्वदेश के लिए केप टाउन साउथ अफ्रीका से। चलिए एक बढ़िया सी रिपोर्ट हमें प्रेजेंट करते हैं सुमित, और ये 7 ट्रैक्टर्स जो लॉन्च हुए हैं उनकी लाइट वेट कैटेगरी में है और प्राइस बैंड भी 5.5 लाख रुपए से शुरू होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और अब हमारे साथ पूजा है, एक बार रिकैप क्विकली ले लेते हैं सारे एक्शन स्टॉक्स का। पूजा बताएं। बिल्कुल, नतीजों के चलते ही एक्शन एक्सपेक्टेड है आज काफ़ी ज़्यादा। हिंदुस्तान कॉपर से शुरुआत करेंगे, नतीजे वीक हैं, मुनाफा घटा है 17% से और कामकाजी मुनाफा भी देखेंगे तो वहाँ पर भी 36% से घटकर मार्जिन जो है वो 25% के आए हैं कंपनी के। सेनको के नतीजे मजबूत नज़र आ रहे हैं, आय में 30% की तकरीबन ग्रोथ हुई है और मुनाफा भी 22% से बढ़ा कंपनी का। मैक्रोइड रसल के भी नतीजे स्ट्रांग हैं जिसके चलते एक्शन एक्सपेक्टेड है आज यहाँ पर भी, आय में करीब 57% की ग्रोथ, मुनाफा 88% से बढ़ा है कंपनी का। आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट के नतीजों की बात करें तो इस पर भी नजर रखिए, आय में 25% की ग्रोथ दर्ज की है कंपनी ने, मुनाफा करीब 32% से बढ़ा है। और आखिर में बात करते हैं एपेक्स फ्रोजन फूड्स की, यहाँ पर नतीजे कमजोर नजर आ रहे हैं, आय में 20% की गिरावट और मुनाफा भी 80% से घटा है कंपनी का। पूजा, थैंक्स फॉर दिस रिकैप। ये एक्शन स्टॉक्स जिसमें पॉसिबल ट्रेड्स ढूंढने चाहिए हमें, और क्या आज के पॉसिबल ट्रेड्स कुश बोरा हमारे लेकर आया है, वो भी पैनल पर बने हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। कुश मॉर्निंग, आज के आपके ट्रेड्स क्या होंगे, आज कैसे ट्रेड करना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। कॉशन के साथ ट्रेड करना चाहिए, वेरी सिंपली पुट, देखिए 19250 के 50 डे मूविंग एवरेज को हमने टेस्ट किया था मंडे को, बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि वो एक लो वॉल्यूम डे था, छुट्टी वाला दिन था। आज और कल के बीच में निफ्टी, बैंक निफ्टी का रियल टेस्ट होने वाला है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन बना के रखें, बायस नेगेटिव होगा। 19200-250 के जो जोन्स हैं ये सपोर्ट जोन है, इंसिडेंटली अगर ये ब्रेक होता है तो अगला मेजर सपोर्ट जोन जो आता है वो 18800 के आसपास आता है, तो मैं इस लेवल को बहुत क्लोजली वॉच करूंगा, 19200-250 वाला जो जोन है इसको। 19550 के करीब निफ्टी का रेजिस्टेंस, बैंक निफ्टी पे सिमिलर व्यू, बायस यहाँ भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रेड अगर इनिशिएट करना चाहें 43700-43500 के टारगेट्स के लिए कर सकते हैं, 44400 ये आपका जो रेजिस्टेंस बैंड है ये स्टॉप लॉस के तौर पे एक्ट करेगा। इन लाइन विद द मार्केट व्यू मेरे जो आज के पिक्स हैं ये भी इंसिडेंटली यू नो सेल साइड पे ही हैं। दो स्टॉक्स जिसमें हमें वीकनेस दिख रही है, पहला IGL, अच्छे रनअप के बाद स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे आप शॉर्ट इनिशिएट करें 425-415 के टारगेट्स के लिए, 445 ये आपका स्टॉप लॉस रह सकता है। बैंकिंग स्पेस में हमने यू नो काफी प्रेशर देखा है, मेरा जो एक पिक है दूसरा वो बैंकिंग स्पेस से ही है, फेडरल बैंक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है विद अ नेगेटिव बायस, एक लेवल है इसका यू नो 131 का 130 का जिसको ये बार बार टेस्ट कर रहा है, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में उसका ब्रेकडाउन हो जाए, तो 130 और 127 के टारगेट्स के लिए आप सेल कर सकते हैं फेडरल बैंक को, 136 जो इसका रेजिस्टेंस जोन है इसको अपना स्टॉप लॉस बना के चले। कुश बोरा के हमारे साथ राहुल घोष भी जुड़ रहे हैं। राहुल नमस्ते, बताइए क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए हैं आज आप व्यूअर्स के लिए? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। सेल ऑन रैलीज का सिंपल स्ट्रक्चर है मार्केट का, जो लास्ट वीक मैंने कहा था 19800 निफ्टी जब तक आता है हर रैली को शॉर्ट कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी 45400 जब आता है हर रैली को हम शॉर्ट कर सकते हैं, एक सेल और एक बाय है। बाय साइड में अतुल है, करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 6441 और टारगेट होगा 6970, तो पहला है लॉन्ग अतुल में। दूसरा है थोड़ा कंडीशनल शॉर्ट लूपिन में, 1050 के नीचे शॉर्ट कीजिएगा, आई रिपीट 1050 के नीचे शॉर्ट कीजिएगा, स्टॉप लॉस होगा 1108 और टारगेट होगा इसका 965, तो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, ओवरऑल सेल ऑन रिलीज का स्ट्रक्चर,
चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पीएसयू बैंक्स का जो पूरा जत्था है, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, यूको बैंक, जेएनके बैंक, इनमें बड़ी एक्टिविटी दिखी थी। कुछ आपको इसमें इंटरेस्ट होगा आज, अगर जब कमजोर खुलता है बाजार, गैप डाउन होता है, तो क्या आप लेंगे यहाँ पे? तो अच्छा, आपने जो दो तीन नाम मेंशन किए उसमें देखिए बिल्कुल पॉजिटिव ट्रैक्शन है। जब तक ये स्टॉक्स अपने 20 डे मूविंग एवरेजेस को होल्ड करके चल रहे हैं, अपने नियर टर्म सपोर्ट जोन्स को होल्ड करके चल रहे हैं, मैं इनमें बाय ऑन डिप्स की रणनीति बिल्कुल अपना सकता हूं। हालांकि मैंने बैंकिंग सेक्टर पे थोड़ा वीक व्यू दिया है और फेडरल बैंक पे शॉर्ट कॉल दिया है, बट एटलीस्ट ये जो दो नाम आपने मेंशन किए जैसे जेएनके बैंक और यूनियन बैंक, इनमें हमने फ्राइडे को एंड देन मंडे को काफी अच्छा ट्रैक्शन देखा, वॉल्यूम के साथ इनमें अपटिक था। तो जेएनके बैंक मेरे लिए बाय ऑन डिप्स रहेगा, 74 के करीब अगर मिलता है तो मैं इसमें बाय करूंगा 70 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट मेरा 80 एंड 84 का रहेगा। यूनियन बैंक वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर, यहाँ भी हमने पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड होते हुए देखा है, हालांकि 93 का जो लेवल है वहां पे रेजिस्टेंस है, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पे कंडीशनल बाय होगा। 93 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तब आप बाय करें, यहाँ पे आपको जो ब्रेकआउट मिलेगा वो मोमेंटम 96 और 99 के लेवल्स तक स्टॉक को लेके जा सकता है, 89 का स्टॉप लॉस रहेगा। सो यूनियन बैंक कंडीशनल बाय, जेएनके बैंक आप अभी बाय कर सकते हैं या डिप्स पे भी। राहुल, एक शेयर है शंकरा बिल्डिंग्स के नाम से है, शंकरा आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, 850 के आसपास का ये शेयर है, एक बार चेक करना ये ब्रेकआउट का कैंडिडेट है या फिर अभी थोड़ा रुकना चाहिए शेयर में, स्ट्रॉन्ग बेस तो है इसका, अच्छा चल तो रहा है ये शेयर। ब्रेकआउट का कैंडिडेट बिल्कुल है, तो जैसे आपने कहा स्ट्रॉन्ग बेस है, और आज अगर कल के हाई के ऊपर ट्रेड करता है शेयर तो लॉन्ग जा सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ भी हुआ है, तो लॉन्ग जा सकते हैं अगर आप देखते हैं कि कल के हाई के ऊपर, मंडे के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है शेयर। ठीक है, खैर इस बीच कुछ एक अहम खबर भी आपको ठीक मार्केट खुलने से पहले लेके आते हैं, क्या खबर है हमारा एक सेगमेंट है, आज विनी हमारे साथ जुड़ रही है आपको खबर बताने के लिए। बिल्कुल, तो आज की जो खबर है वो है पीएनसी इंफ्रा पे, और पीएनसी इंफ्रा में देखें तो जो उनकी सेल ऑफ एसेट्स थी वहाँ पे डीले ऑलरेडी हो चुकी थी, और अभी लग रहा है कि ये जो वेट है वो थोड़ी और लंबी हो जाएगी, तो ये उनकी जो डीले है वो ओवरहैंग बन रही थी स्टॉक पे भी, और इसके लिए लास्ट एक महीने में देखें तो स्टॉक भी डिक्लाइन हुआ है 4-5% से। नाउ ये उनकी जो 12 एसेट्स है जो मैनेजमेंट प्लान कर रही थी कि वो मोनेटाइज करेगी, वो बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू चैनल चेक्स कि यस उनको ऑफर्स मिले हैं, रिसीव किया हुआ है ना ऑफर्स काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स से, पर जो डीले है वो कंटिन्यू हो चुकी है, और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अभी खत्म हो जाएगा ओवर द नेक्स्ट 2 quarters। तो यस, थोड़ी डीले ऑलरेडी हो चुकी है, लॉन्ग वेट ऑलरेडी था पहले ये एसेट सेल के लिए, और कंटिन्यू रहा है ये वेट अभी तक जब तक ये एसेट्स की सेल एक्चुअली हो जाए। अभी तो सिर्फ उन्होंने इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स से दिखाया है कि इंटरेस्ट है, पर ये सेल कब होगी ये इंपॉर्टेंट है वेट करने के लिए। और ओवरऑल देखें तो Q1 नंबर्स भी इन लाइन ही आए थे, तो यस ऑल इन ऑल इसकी वजह से लास्ट 1 month में देखें तो स्टॉक में भी 4-5% की डिक्लाइन दिख रही है। फोकस में रहेगा पीएनसी इंफ्रा, अकॉर्डिंग टू चैनल चेक्स थोड़ी डीले हो चुकी है उनकी एसेट सेल्स में। इंफ्रा के ऊपर आप ध्यान बना के रखिए, इनफैक्ट ये सारे जो कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स हैं, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ईपीसी कंपनीज, उनमें बहुत इंटरेस्ट भी है। पार्थिव, कैपेसिटी का रिजल्ट आया था, ओहो ओके, रेलिगेयर का ब्लॉक हो गया है, 7.6% स्टेक का ब्लॉक हुआ है रेलिगेयर में, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी ब्लॉक आ गए हैं। मैं इससे पहले कि कैपेसिटी बात करूं, वहां भी एक खराब रिजल्ट के बाद काफ़ी सेलिंग दिखी, ये दोनों स्टॉक एक बार मार्क करना ज़रूरी है। कुछ जेएसडब्ल्यू एनर्जी और रेलिगेयर एंटरप्राइजेस दोनों चार्ट चेक करके बताइए, प्री ओपन में हर निशान में खुलने वाले हैं, बड़े ब्लॉक्स हुए हैं। जो वॉल्यूम ट्रैक्शन हम देख रहे हैं और जो रिलेटिवली वीक मार्केट में हम इसका स्ट्रेंथ देख रहे हैं, दैट कुड टेक द स्टॉक टू 375 लेवल्स। तो दिस इज मोर फॉर एग्जिस्टिंग पोजीशंस, अगर आप पोजीशन रख रहे हो तो 350 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड करें। अग्रेसिव ट्रेडर्स 350 के ही स्टॉप लॉसेस में बाय कर सकते हैं 375 और 390 के टारगेट के लिए, दैट इज फॉर जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू एनर्जी रादर। जहां तक रेलिगेयर की बात है, यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कर जाएं,
बिकॉज थोड़ी सी यहाँ पे प्रेशर आपको देखने मिल रही है. मंडे का मूव वॉजेंट एज एनकरेजिंग, तो हो सकता है 230-235 के आसपास थोड़ा सा स्टॉक यहाँ पे रेजिस्ट करे. तो यहाँ पे फ्रेश पोजिशन ना बनाए, एक्जिस्टिंग पोजिशन 220 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हो. रेलिगेयर में ध्यान रखिएगा, अगर ये किसी कुछ बड़े हाथ इसके अंदर आते हैं तो स्टॉक में सेकेंड राउंड शुरू हो सकता है. बट पार्थिव, ये कैपेसिटी में हमने एक महीने पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स आते हुए देखे थे. मुकुल अग्रवाल, आपका खेमानी जी आए थे, उसका रिजल्ट परसों आया था जो कमज़ोर आया, जिस वजह से स्टॉक 10% गिर गया. लेकिन जो इसकी फंडिंग का इश्यूज था और जो पैसा इन्होंने रेज किया है, वो तो अगले दो क्वार्टर के बाद दिखाई देना शुरू होगा. क्या आप इस भाव पर कैपेसिटी देखेंगे? Yes, definitely interesting लग रहा है, बिकॉज अगर मैं मुंबई के हाई राइज रेजिडेंशियल या तो कमर्शियल बिल्डिंग स्पेस की बात करूँ तो बहुत ही कम कंपनी है जो इस तरह के टेंडर्स जो हाई राइज के वो बिड कर सकती है, और कैपेसिट इज वन ऑफ दोज कंपनीज, और उनका एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड पास्ट का बहुत ही शानदार रहा है. नो डाउट बीच में आई थिंक कुछ प्रोजेक्ट्स में पैसा काफी स्टक था तो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक थी, अभी धीमे धीमे करके आई थिंक दे आर रिवाइविंग, टर्न अराउंड स्टोरी है. और आपने सही बताया कि जो लास्ट क्वार्टर था वो लंबी था, बिकॉज ये बिजनेस में जैसे जैसे एग्जीक्यूशन होता है रेवेन्यू रियलाइजेशन रहते हैं, कैश फ्लो धीमे धीमे बढ़ता है, तो आने वाले दो तीन क्वार्टर हमें लग रहा है कि बेटर रहेंगे. और आपने राइट बताया जो नामचीन इन्वेस्टर्स है उन्होंने काफी बड़ा स्टेक लिया है, तो आई थिंक गोज टू शो कि ये जो सेगमेंट है यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है, और जो रियल एस्टेट सेक्टर है वहाँ पे काफी डीलेवरेजिंग हुआ है, जिसकी वजह से कैपेसिट के जो कस्टमर्स रहते हैं जहाँ पे पेमेंट डीले होती है अभी वहाँ पे भी पेमेंट मोबिलाइजेशन होना चालू हो गया है. तो आई थिंक एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बेट बन सकता है. नो डाउट ये बिजनेस में काफी एग्जीक्यूशन रिस्क होते हैं, लेकिन वैल्यूएशन कम्फर्ट है और ये कंपनी की क्षमता की पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो लॉन्ग जा सकते हैं. ठीक है, एक मिनट 20 सेकंड अभी रह गए, एक क्वेश्चन फटाफट से और पता कर लेते हैं. आज क्या टाटा कंज्यूमर्स चलेगा कि नहीं, एक बार राहुल चेक करके जल्दी से बताइए, टाटा कंज्यूमर्स आज चलेगा कि नहीं? टाटा कंज्यूमर चल सकता है आज, बिल्कुल लोअर बोलिंजर बैंड से टच होके ऊपर की साइड जा रहा है, तो अगर मार्केट से पॉजिटिव है हाँ लॉन्ग कर सकते हैं, इसे लॉन्ग कर सकते हैं. अब आपको फटाफट से दिखाते हैं, अब निफ्टी के लेवल्स फ्रीज हुए, बैंक निफ्टी के लेवल्स फ्रीज हुए, और साथ ही साथ कुछ एक और ट्रेड जो आज ओपनिंग में और क्लोजिंग ओपनिंग में आपके काफ़ी काम आएंगे. पहले एक बार जरा निफ्टी के लेवल्स लेके आइए. निफ्टी ने जो इंपॉर्टेंट क्लोजिंग दी, आज ओपनिंग दी है माफ़ कीजिए, वो करीब 65 पॉइंट के डाउन दी है, यानी कि 400 के नीचे खुल रहा है लेकिन 300 के सपोर्ट के ऊपर है. तो 300 और 400 में पहले एक चीज़ आने दीजिएगा, या तो पहले 300 आ जाए तो हमको एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल जाएगा, या तो पहले 400 आ जाए तो हमारी कल की क्लोजिंग के ऊपर हमको मिलेगा. तो इन बोथ द केसेस वेट करना चाहिए, 60 पॉइंट में कहीं कहीं भागा नहीं कुछ जा रहा है. एक बार जरा बैंक निफ्टी भी लेके आइएगा, फिर 163 पॉइंट की जो सेंसेक्स की गिरावट है ये ज़्यादा मैंने नहीं है, सेंसेक्स टिपिकली कोई आदमी देखता भी नहीं इतनी जल्दी क्योंकि ट्रेडेबल है नहीं है. अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे ना तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको एक ट्रेड मिल सकता है, बट ध्यान रखिएगा उसमें 43,800 के आसपास आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस बनना चाहिए. एडवांस डिक्लाइन चेक करते हैं, 900 शेयर होने चाहिए कम से कम, कम है 700 शेयर हैं, तो इसका मतलब थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है, शायद हम लो को टेस्ट करने के लिए पहले पहुँच जाएँ. 73 अंकों का नुकसान, अब 82 अंकों का नुकसान है, 86 अंकों का नुकसान है, और बैंक निफ्टी ने 43,800 को ब्रेक किया 400 पॉइंट गिरावट के साथ. तो पहले इसको या तो 43,800 के ऊपर आने देना, नहीं तो थोड़ा और नीचे जाने दो, 43,500 के आसपास आके वापस से सपोर्ट है इसके पास, 300 पॉइंट जस्ट नीचे ही 102 पॉइंट चले गए हैं. 19,300 को तीसरी बार टेस्ट करने के लिए निफ्टी आएगा, और इस पे अगर रुक गया तो ठीक बात है, नहीं तो फिर मुश्किल बढ़ सकती है. आइए फटाफट से चेक कर लेते हैं कि कौन मार्केट के लूजर्स हैं और कौन मार्केट के समय शुरुआती गेनर्स बन रहे हैं. पहले जरा स्क्रीन पे लेके आइएगा LTI, इन्फोसिस या TCS, ये तीनों IT की बड़ी कंपनीज को एक बार आप रख सकते हैं. छोटी कंपनी में LTI, माइंडट्री और एम्फेसिस को भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, इनमें गिरावट आपको कम दिखेगी, कुछ शेयर आपको हरे निशान में दिखेंगे. तो IT का पार्टिसिपेशन आज शुरुआत में ठीक है, डिवीस लैब, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC, इन सबको भी एक बार आप शुरुआत में दिखा सकते हैं. और अब निफ्टी पे जो गिरावट है वो 100 अंकों से ज़्यादा की हो चुकी है, और अभी भी शेयर्स आपके एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो थोड़ा ख़राब है. आपको पिछले 20 दिन में ये दूसरी या तीसरी बार ऐसा है जब आपको एडवांस डिक्लाइन शुरुआत में ही थोड़ा ख़राब दिखे, और उस दिन हम क्या करते हैं पूरा दिन थोड़ा चैलेंज के तौर पर देखते हैं कि मार्केट को सिर्फ रिकवरी रिकवरी चेक होती है और ब्रेकआउट्स नहीं करते हैं.
तो इसलिए 19300 का स्टॉप लॉस या उसके जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस लगा के वित्तीय सरकारों से पूछेगा कि हमको कोई ट्रेड बनता है कि नहीं बनता। आज जो वीक काउंटर्स हैं वो एक बार फिर से आपको बताता हूँ, अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर वीकनेस है, HDFC वीक है, ONGC वीक है, रिलायंस वीक हो गया है, बजाज हिंदुस्तान वीक है। तो आज थोड़ा बहुत कंजम्पशन जैसे कि नेस्ले इंडिया, M&M जिसने प्रोडक्ट लॉन्च किए, JSW स्टील जहाँ पे ब्लॉक्स लगे हैं, या एनर्जी के अंदर भी इन्फोसिस और SCL टेक, थोड़ा IT, ये कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पर आपको थोड़ी स्ट्रेंथ दिखेगी। बड़े शेयर में आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और HDFC दोनों ही 1-1% की गिरावट के साथ थोड़ा प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं, डिक्लाइंस हज़ार हो चुके हैं। एक काम आप और कर दीजिए, एक बार जरा विक्स वापस से दिखा दीजिएगा, विक्स करीब 4% फिर से बढ़ा है, ये 12 के आसपास है, ध्यान रखिए जब तक 13.5 का विक्स पार नहीं होता है ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम करेगा नहीं। ग्लोबल मार्केट्स में भी डॉलर इंडेक्स और US की बॉन्ड्स वो दोनों ही अपने क्रिटिकल लेवल को पार कर चुके हैं, जैसे कि डॉलर इंडेक्स 200 दिनों की एवरेज के ऊपर है। ठीक है, जी एंटरटेनमेंट के अंदर आज फ्लैट ओपनिंग हुई है, कुछ खास बड़ा ट्रेड तो आपको वहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा, 100 अंकों के गिरावट के साथ इस समय ओपनिंग ट्रेड आपकी स्क्रीन पर है। छोटे मझोले शेयर्स के बारे में आपको प्रियंका बता रही है, मेहमानों से भी कनेक्ट कर रही है। ठीक है दिव्य, बिल्कुल, लेकिन जहाँ न्यूज़ का इम्पैक्ट था, देखिए ब्लॉक की न्यूज़ से JSW एनर्जी आज भी आप 3% ऊपर देख रहे हैं और टॉप गेनर भी है। इनफैक्ट जी एंटरटेनमेंट में भी आपको लगभग 1.5% की यहाँ बढ़त दिख रही है और पतंजलि फूड लगभग 1.5% ऊपर है। क्रूड डेरिवेटिव ऑल मार्केटिंग काउंटर्स में HPCL जैसे काउंटर्स, पॉलीकैप जैसे काउंटर्स आज थोड़े से ऊपर दिख रहे हैं और दबाव के साथ आपको इलेक्ट्रिकल काउंटर्स, कंज्यूमर ग्रीव्स ये दबाव के साथ दिख रहा है। जुबिलेंट फिर से वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है और मेटल थोड़े सॉफ्ट है। नैल्को जैसे काउंटर्स, एल्युमिनियम स्टील काउंटर्स लास्ट वीक में फ्राइडे को भी टूट रहे थे, वहां पर भी थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है और ऑयल प्रोड्यूसर्स में, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स में भी आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो ये तो मिड कैप का हाल है, क्विकली स्मॉल कैप को भी चेक कर लेते हैं कि वहां किस तरह एक्शन है, क्योंकि न्यूज बेस्ड एक्शन, न्यूज बेस्ड ट्रेड में तो एक्शन बन रहा है, लेकिन स्मॉल कैप में हिंद कॉपर नंबर्स आए, पैट थोड़ा घटा है और ये स्टॉक काफी चल भी चुका था, तो 6% की गिरावट हिंद कॉपर में है। बालाजी अमाइंस अनदर 3% वीक है और बढ़ने वाले स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स, आलोक इंडस्ट्री जैसे स्टॉक में 3% की मूव है। इस पर आई थिंक एक न्यूज़ भी आ रही है क्योंकि रिलायंस की एक सब्सिडियरी भी वहाँ थोड़ा कैश इन्फ्यूजन कर सकती है, बट खैर ये कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। अजय कुछ ट्रेड्स भी डिस्कस कर लेते हैं, एक्सपर्ट्स को दिख क्या रहा है इस वक्त? जी हाँ बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं और ओपनिंग ट्रेड्स का समय हो चुका है। राहुल बताइए आपका पहला ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? ओपनिंग में देखेंगे तो इन्फोसिस, अगर आपको याद होगा इन्फोसिस 1300 पे हमने बाय किया था, उस दिन से वो हाई तोड़ा नहीं है, तो इन्फोसिस आज के डे इंट्राडे के लिए लॉन्ग कर सकते हैं और जनरली IT पैक शॉर्ट टर्म नजरिया के साथ भी लॉन्ग कर सकते हैं, तो इन्फोसिस लॉन्ग वुड बी माय पिक। कुश आपका ओपनिंग ट्रेड? तो एक क्विक वर्ड दे, तो मुझे लग रहा नहीं कि मार्केट इतने खराब है जो ओपनिंग हुई है उसके बाद एक्चुअली इंडेक्स तो संभल गए हैं, हालांकि इट्स टू अर्ली, बट जो ब्रॉडर मार्केट है और जो स्टॉक्स हैं इनमें उतना ज्यादा क्रैक नहीं देखने मिल रहा जो मंडे को देखने मिल रहा था। सो दैट्स जस्ट अ क्विक ऑब्जर्वेशन ऑन द मार्केट जो अभी जस्ट खुले हैं। एक पिक जो मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रही है वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। मंडे को अपर सर्किट था इस स्टॉक पे, आज भी जो इसकी शुरुआत हुई है ये काफी मजबूत हुई है, तो यहाँ पे आप ध्यान रख के चले 1140 या 1130 ये जो जोन है 10 रुपीज का, इसके बीच अपना स्टॉप लॉस बनाए। पहला टारगेट आप यहाँ पे 1195 का लेके चले, दूसरा टारगेट 1230 का। सो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक काफी अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे आपको और अपसाइड देखने मिल जाए आज ही। ठीक है, ये स्टॉक हो गया ओपनिंग ट्रेड। सुमित आप बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है? यहाँ पे कोलपाल मुझे अच्छा लग रहा है। कोलपाल पे आप ध्यान रखिएगा, एक बेस फॉर्मेशन काफी टाइम से बनाया हुआ था करीबन 1960 की लेवल से, करंट मार्केट प्राइस है 1977 का, सेम स्टॉप लॉस मैं मेंटेन करूंगा 1960 का। मुझे लग रहा है कि ये 2000 क्रॉस करके 2020 तक भी जा सकता है। अक्षय आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? अक्षय मेरा ओपनिंग ट्रेड BPCL में होगा। अगर आप BPCL का चार्ट पैटर्न देखें, ये स्टॉक को बार बार 355 पे एक बाउंस बैक का टेंडेंसी है, एक डॉजी क्लोजिंग दिखा था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में और आज पॉजिटिव है। ऑयल एंड गैस सेक्टर स्टार्टिंग के 5 मिनट भी अच्छे रहे, ये स्टॉक के लिए मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, तो डे लो का स्टॉप लॉस बना के बाय करे BPCL विद अ टारगेट ऑफ 370। और
पार्थिव, वोल्टास पे आपका टेक क्या है? ये शेयर अच्छा पार्टिसिपेट कर रहा है, 800 के आसपास ने बेस बनाया हुआ, अच्छी बुरी खबरें सब डिस्काउंट कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी जब बाजार टूट रहा था तो इसने 830 तक चला गया था, आज फिर से 11-12 रुपए नीचे है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक्युमुलेशन करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक फंडामेंटली अगर मैं बात करूँ तो एसी सेगमेंट में उनका मार्केट शेयर काफी उन्होंने इंटैक्ट रखा है, और अभी आने वाले काफी क्वार्टर्स में हम लोग देखेंगे कि जो रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट है उसका फायदा मिलेगा और ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन होंगे। तो आई थिंक डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी सीजनल वीकनेस की वजह से डिमांड थोड़ी डिले हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि रूरल में भी काफी स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन और सेकेंड हाफ में भी रूरल में आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड रह सकती है। और वोल्टास के जो की मार्केट्स है वहां पे आई थिंक डेफिनेटली जिस तरह का हीट वेव है मुझे लग रहा है कि दे कैन गार्नर मोर मार्केट शेयर, तो डेफिनेटली फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है और यहाँ पे वैल्यूएशंस भी रिलेटिवली कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस एवरेजेस, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से वोल्टास को रडार पे रखना चाहिए। भी है जिसकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग हुई थी डेज हाई पे, आज भी ओपनिंग ट्रेड ठीक दिख रहा है, वो है पॉलीकैब। एक बार पॉलीकैब का शेयर वापस से लेके आइए। खुश, एक बार जरा आपकी रिकमेंडेशन चाहिए पॉलीकैब पे। भी बायस बिल्कुल इसमें पॉजिटिव है, यहाँ पे खाली 4850 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास का रेजिस्टेंस है, जहां पे 2-3 बार इनफैक्ट स्टॉक यू नो रेजिस्ट कर चुका है 4850 4900 के जो जोन्स हैं, बट जिस तरीके का सेटअप हम इसमें बनते हुए देख रहे हैं और जो बहुत ही क्लियरली एविडेंट यू नो रिलेटिव स्ट्रेंथ है इसमें, उससे हो सकता है कि यू नो इस लेग ऑफ द रैली में 4850 4900 भी टेकआउट हो जाए। मैं कहूंगा कि यहाँ पे आप बिल्कुल एक लॉन्ग पोजिशन बना के चले। स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा इसमें वो रहेगा 4700 4725 के जो लेवल्स हैं इनके बीच का, पहला टारगेट आप यही 4850 को लेके चलें, ये क्रॉस होता है तो आपको यहाँ पे 4950 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो अच्छा खासा मोमेंटम इसमें बिल्डअप हो रहा है। शार्प रनअप के बाद थोड़े कंसोलिडेशन में यू नो ये स्टॉक है, लेकिन वो भी पॉजिटिव बायस के साथ है, सो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव, 4950 तक के लेवल्स भी आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, आज का रियल एस्टेट थोड़ा सा रिएक्ट कर रहा है क्योंकि कल मोदी जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे थोड़ा सा ईज आउट होगा बड़े शहरों में, तो क्या आज गोदरेज प्रॉपर्टी ब्रॉय रियल्टी इस पर रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि हमने देखा गोदरेज प्रॉपर्टी थोड़ा सा मोमेंटम आपको शुक्रवार को भी दिखना शुरू हुआ था, कोई रियल एस्टेट स्टॉक का पार्ट करेंगे अक्षय? जी बिल्कुल, थोड़ा सा आज इनिशियल ट्रेड्स में ओपनिंग टिक में थोड़ा सा एक मोमेंटम पिकअप होते दिख रहा है रियलिटी सेक्टर में, तो जो अपने गोदरेज प्रॉपर्टीज का थोड़ा सा बाइंग एक्शन है सपोर्ट बेस बनते हुए दिख रहा है ये स्टॉक में करीबन 1500 में, ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट बेस है, तो ट्रेडिंग के लिए आप लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं विद टाइम फ्रेम ऑफ अ वीक, अगर यहां से चल पड़ा तो आपको ऊपर में 1620 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप ये जो रिसेंट स्विंग लो है इसका 1500 उसके नीचे एक रिस्क रिवॉर्ड का फेवरेबल रहेगा ये बाय ट्रेड। ऐसे में इस तरह के बाजार में कौन सी और डिफेंसिव बेट ढूंढनी चाहिए? पावर स्टॉक्स में भी एक प्रॉफिट बुकिंग हमें पिछले हफ्ते देखने को मिली, क्या कोई और पावर स्टॉक REC PFC जैसे जो ऐड करने यहाँ पर ठीक होंगे? एक बार कुछ से समझ जाए, कुछ को पावर स्टॉक ऐड करेंगे आप यहाँ? तो थोड़ा सा इसी का वेट कर रहा हूँ कि मार्केट स्टेडी हो जाए, इन स्टॉक में अच्छी खासी रनअप आई है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है, हालांकि आज ये कुछ यू नो पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आप यू नो थोड़ा सा यहाँ पे अग्रेसिव बेट लेना चाहें तो REC पे आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करें तो 230 और 236 के दो टारगेट्स के लिए आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस भी आपका बहुत टाइट होगा इसमें 219 का, बट एज आई सेड ये थोड़ा सा अग्रेसिव बेट है और ये नियर टर्म बेट है, मार्केट स्टेडी होते हैं तो यहाँ पे आपको और बड़ी मूव्स देखने मिल सकती हैं, बट अग्रेसिव ट्रेडर्स इन लेवल्स के लिए यहाँ पे यू नो इंट्राडे के हिसाब से भी एक पोजीशन बना के चल सकते हैं। ठीक है, इन स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग कुछ दिनों से नजर आ रही है। एक स्टॉक आपको बताता हूँ मैं जो बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं हो रहा है लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये रडार पे आना शुरू हो गया है, और वो मैं डिस्कस करूंगा राहुल से। स्टॉक का नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज के रिजल्ट मेरे साथ से अभी आए नहीं है लेकिन इसमें अर्ली रुझान अच्छे फंड्स का आना शुरू हो गया। अगर आप डेटा देखें, मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ, आप डेटा को देखिए, इसका भाव देखिए, लास्ट 3 से 6 महीने का चार्ट 220 से इनफैक्ट 175 से धीरे धीरे चलता है, इसमें बड़े मूव्स आते नहीं है तो अक्सर रेडार पे बहुत जल्दी आता नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए रेडार पे आपके। किस लेवल्स पे री एंट्री लेंगे एक्साइड में? इसको राइट ऑफ कर दिया था राहुल पूरे बाजार ने कि ईवी आएगा और आईस इंजन के जो
कंबस्टन इंजन के बैटरी कंपनीज हैं ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मालूम चला है कि ये खुद ही इंडिया की लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी प्लांट लगा रहे हैं बेंगलोर में, इस भाव से क्या लगता है? मेरे ख्याल से अभी भी लॉन्ग कर सकते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज, 263 पे आसपास चल रहा है, एकदम स्टेडी बेस बना के चल रहा है, 20 डीएमए को रेस्पेक्ट कर रहा है, तो इस प्राइस पे भी लॉन्ग कर सकते हैं और बहुत आसानी से प्रीवियस हाई तोड़ सकता है एक्साइड। प्रीवियस हाईज की तरह अभी समय है, लेकिन प्रीवियस हाईज में एक बार जितने भी ब्लॉक्स गिरे हैं सुबह उन सबके स्टॉक्स का एक बार जायजा ले लेते हैं। लेके आइए इंडिगो, इंडिगो में बड़ा ब्लॉक है, 4% नीचे स्टॉक, 100 रुपये नीचे, इसके अंदर रिबाउंड नहीं आ रहा है। आप लेके आइए जेएसडब्ल्यू एनर्जी, बड़े लोगों का नाम आ रहा है, काफ़ी बड़े लोगों का नाम इसके अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में फ्राइडे को ऑलरेडी जीक्यूजी ने लिया है, और आज भी सुनने में आया कि आज के सुबह ब्लॉक्स हैं जीक्यूजी ने ही ऐड किया है, ये 3% ऊपर है। रेलगेयर लेके आइए, वहाँ भी ब्लॉक हुआ है, वो भी स्टॉक काफ़ी ठीक चल रहा है। अक्षय, इन तीनों ब्लॉक वाले स्टॉक्स में आपको कहाँ रुचि होगी? यहाँ पे इंडिगो का चार्ट पैटर्न जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है गए 4 ट्रेडिंग सेशन में, पर अभी ये स्टॉक जो अपना बहुत ही अहम सपोर्ट है 2400 से 2430 ये रेंज में वापस एंटर कर रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड के जरिए आपको ये एंट्री बहुत सही रहेगी अगर आप ट्रेडिंग के नजरिए से ये स्टॉक को देख रहे हैं। तो सपोर्ट एरिया जो है मैंने कहा वहां पे एक बार आप बाय के लिए देख सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ द रीसेंट हाईज विद अ स्टॉप लॉस बिलो द सपोर्ट जोन ऑफ 2400। एक स्टॉक में मार्क करा दूं, उसके बाद डिम्पी के पास जाएंगे, वो है कैपेसिटी। आपको परसों हमने 10% नीचे बताया था कि इसका जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि इन्होंने बड़े बड़े लोगों से पैसा रेज किया है और ये अपनी बैलेंस शीट को सुधार रहे हैं अभी एक महीने पहले ही, उसके बाद खराब रिजल्ट आया तो 10%, लेकिन इतने बड़े लोगों से पैसा रेज उन्होंने सिर्फ एक महीने के क्वार्टर के लिए थोड़ी किया है, वो तो दिखने में 2 से 3 क्वार्टर लगेंगे। देखिए स्टॉक में हरकत वापस आना शुरू हो गई, 188.89 का लो आपका परसों का लो था। एक बार इसके चार्ट को विजिट करेंगे आप सुमित, कैपेसिटी फॉलोअप सेलिंग नहीं दिखी है परसों वाली। जी देखिए कैपेसिटी ने बिल्कुल आपने जो बात बोली एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग इसका बेस बना हुआ है, जो प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस था जो था करीबन 190, तो मैं अभी भी सलाह दूंगा कि यहाँ पे आप बने रहिए जिसका अगर लॉन्ग टर्म व्यू है, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए अभी इनिशिएट मत कीजिए, वेट कीजिए। ऊपर एक गैप फिलिंग जो परसों हुआ था पहले उसको फिल होने दीजिए, जैसे ही स्टॉक 220 का लेवल क्रॉस करेगा मुझे लग रहा है कि ये फिर से अपने न्यू हाई की तरफ जा सकता है। एक्सपेक्टेड अगर किसी का 3 से 6 महीने का नजरिया है तो हमें लग रहा है कि ये 294 के करीबन तक जा सकता है यहाँ पे। कई बार हम ऐसे शेयर्स को छोड़ देते हैं जहाँ पर पुराना बेस बहुत ख़राब होता है, लेकिन वो शेयर्स बैक टू बैक चलते हैं क्योंकि उनमें नई ऊर्जा और नई कॉर्पोरेट गवर्नेंस आती है। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एससीसी। एससीसी 13 रुपये का शेयर आज 26 रुपये का हो चुका है, एथिकली तो डबल है मार्च से, लेकिन अगर आप पुराना इतना पुराना नहीं भी जाएंगे, आप सिर्फ एक महीने का या फिर अगस्त का ही, सिर्फ अगस्त का 10 दिन का ही, आप 15 दिन का ही आप चार्ट डाल देंगे तब भी आपको दिखेगा इसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया है। पार्थिव, हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं, कई बार एक कंपनीज ऐसे लेवल पे आ जाते हैं फिर सोचते हैं कि शायद इन कंपनीज में जब वो खबरें आ रही थी, पॉजिटिव खबरें आ रही थी, जब लग रहा था कि इनका DNA चेंज हो रहा है, तब हमने क्यों नहीं खरीदा, तो कई बार मौका हाथ से निकल जाता है। SCC में वो चीज़ हो गई है या फिर अभी होना बाकी है जो मैं बोल रहा हूँ कि मौका हाथ से निकल गया? पार्थिव, SCC पे आपका टेक? ओ ठीक है, पार्थिव से बात नहीं हो पाएगी, फिर एक टेक्निकली हमको कॉल लेनी पड़ेगी इस पे, तो कुछ एक बार आपसे व्यू पॉइंट चाहिए। फिर अभी SCC के अंदर क्या करें, आज भी 2.5% ऊपर है, मार्केट कहीं भी जा रहा हो ये शेयर टूट नहीं रहा और 2-2, 3-3% करके शने शने बढ़े जा रहा है। बिल्कुल डिम्पी, और मैं अगर यू नो इफ आई कैन टेक द लिबर्टी ऑफ आंसरिंग और क्वेश्चन कि हम यू नो क्यों मिस कर जाते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ रीसेंट हिस्ट्री। यू नो आप देखिए ये हो गए, यू नो HCC जैसा स्टॉक हो गया या सुजलॉन हो गए, इन स्टॉक्स ने इतनी बार उम्मीद दिखाई है और फिर फिजल आउट हुए हैं कि वो कॉन्फिडेंस आना थोड़ा सा यू नो मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा समय लग जाता है। इस बार की जो रैली है ये काफी यू नो अच्छी है, सस्टेन्ड है और वॉल्यूम बैक्ड है।
पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा था पिछले 2 से 3 महीनों में, लेकिन यू नो पिछले 5 सेशंस में जो ब्रेकआउट आया है, देखिए 20 के लेवल्स पे चल रहा था ये ऑन 9th August, और वहीं से अगर आप देखें तो 5-6 सेशंस ही हुए हैं एंड स्टॉक्स ऑलरेडी एट यू नो 26, तो 30% की रिटर्न तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुकी है। अब लग रहा होगा कि थोड़ा सा ओवर बॉट है, बट यहाँ पे मेरे हिसाब से 28 और 30 के जो लेवल्स हैं ये अभी भी इन प्ले हैं, तो कोई फ्रेश बाइंग करना चाहे तो 25-50 या 25 के जो जोन्स हैं, इन जोन्स के हिसाब से टाइट स्टॉप लॉस लगा के एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, बिकॉज़ वॉल्यूम्स में भी एक बहुत शार्प अपटिक देखने मिला है प्राइस के साथ, तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ओके ठीक है, एक शेयर में को और पता करना है, वो है फैक्ट का शेयर, ये तो काफी अच्छा रिटर्न दे चुका है, आप इसका ना एक बार एक साल का चार्ट दिखाइएगा राहुल, एक बार आप भी चेक कीजिए फैक्ट, एक फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई कंपनी, साल का चार्ट दिखाइए, 261% का रिटर्न देने के बावजूद भी शेयर ठंडा नहीं हो रहा, राहुल कहां जाएगा ये शेयर, 100 वाला शेयर 400 तो हो गया, और उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, और आप नोटिस करेंगे कि लोअर बैंड टच होके अभी नीचे के साइड जा रहा है, तो हमारा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर होल्ड कर रहे हैं शेयर को एग्जिट कर जाइए, फिर से एंट्री करने की जो प्राइस है वो 473, जो अभी भी थोड़ा दूर है, 473 के ऊपर फिर से एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप आपको आईटी पैक के कई सारे काउंटर्स में दिख रहा है, लार्ज कैप ही नहीं मिड कैप में भी, इनफैक्ट कुछ काउंटर्स ऐसे हैं जो अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई भी है, पिछले 3-4 महीनों में आप बिरला सॉफ्ट जैसे स्टॉक्स को देखें तो लगभग 20-25% ऊपर हो चुके हैं, और यहां से अब भी फर्दर मोमेंटम में भी आपको दिख रहा है, इनफैक्ट अच्छी स्ट्रेंथ पूरे आईटी पैक में आपको आज दिख रही है। एक बार राहुल नहीं अक्षय से पूछते हैं, चलिए अक्षय कोई और आईटी स्टॉक ऐड करेंगे आप, बिरला सॉफ्ट इनफैक्ट ये एक अच्छी मूव दिखा भी चुका है लेकिन अब भी अप ट्रेंड में है, इन लेवल्स पर एंट्री करनी चाहिए या फिर थोड़ा सा नीचे मिले तो रुके? नहीं बिल्कुल प्रियंका जी, अभी जिस स्टॉक में मोमेंटम है उसको चेज कर सकते हैं क्योंकि वहीं पे स्ट्रेंथ है, तो वीक मार्केट में भी ये जो है स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ जो इसका पैटर्न बन रहा है ये इसके टारगेट पोजिशनली एक महीने के अवधि से आपको 500 तक बन रहे हैं, तो आप बाई करके चल सकते हैं, अगर पोजिशन ऑलरेडी बने हैं पोर्टफोलियो में है तो उनको होल्ड कीजिए। अब इसका जो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से पोजिशनल स्टॉप लॉस बनेगा वो रहेगा 418 का, अगर आप फ्रेश एंट्री बनाएंगे अभी तो थोड़ा आप स्टॉप लॉस कंजर्वेटिव रख के चलना 430 का, पर इंटैक्ट है ट्रेंड और बड़े टारगेट के साथ चलिए जो है 500। बड़े ट्रेंड आप बड़ा टारगेट 500 का आप देखते हैं, क्या आज रेमेंट एक अच्छा स्टॉक हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक चल रहा है 2000 के पास पहुंच चुका है और इसमें दोनों ट्रिगर हैं, आज रिटेल काउंटर्स भी अच्छे चल रहे हैं और कुछ एलिमेंट इसमें रियल एस्टेट का भी है, क्या राहुल आप रेमेंट्स पर इन लेवल्स पर बाय करने की रिकमेंडेशन देंगे? रेमंड की अगर बात करें तो अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है बिल्कुल बाय कर सकते हैं, चार्ट का स्ट्रक्चर अच्छा है, अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में है तो बिल्कुल एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1865 पे और लॉन्ग जा सकते हैं। कमजोर स्टॉक्स की बात करें तो अक्षय ने आज एचडीएफसी बैंक के शॉर्ट की कॉल दी थी, बहुत बढ़िया प्ले आउट हो रही है, वो एचडीएफसी बैंक के इंटरडे चार्ट को भी लेके आई है। अक्षय आप रिविजिट करना चाहेंगे, कोई भी इसके अंदर रिबाउंड का अटेम्प्ट नहीं है, ये नीचे में आपका टारगेट कितना था? 1550 तक था टारगेट, 1550। अभी भी जगह है काफी अच्छी नीचे की तरफ, 30-40 रुपए अभी घट सकता है। ये एक और कमजोरी वाले स्टॉक की बात करें जहां अच्छे शॉर्ट्स इमर्ज हो रहे हैं, वो है बजाज फाइनेंस। सुमित जरा बजाज फाइनेंस के चार्ट्स को देखिए, नीचे कहां तक जा सकता है? देखिए जो रीसेंट एक काफी सारा अपसाइड आया था उसके बाद कंटिन्यू फॉलिंग चल रहा है, बिल्कुल अभी भी आप देखेंगे एक छोटा सा आज का सपोर्ट वो ब्रेक करने की तैयारी में है जो है करीबन 6953 का, तो मुझे लग रहा है कि आज का अगर क्लोजिंग जो है अगर वो 6950 के नीचे आ रहा है तो और भी डाउनसाइड का मोमेंटम बन सकता है जो करीबन 6700 तक स्टॉक को लेके जा सकता है। ग्लेनमार्क में देखिए जरा, जो मैंने आपको सुबह बताया था थोड़ी हरकत है, रिजल्ट का मामला भी है उसके अंदर, वो रिजल्ट अगर प्ले आउट हो जाए एक दो दिन बाद फिर इसको रिविजिट करिए आप, क्योंकि काफ़ी बड़ा पैसा आएगा ये डील, आगे आज नहीं तो कल करें, निर्मा के साथ करें, किसी और के साथ करें, बट माल आएगा ग्लेनमार्क में और उससे वो डेट अपना रिड्यूस करेंगे जो एक बहुत बड़ा इशू हमेशा बना हुआ है। ग्लेनमार्क की बात करिए, जो कमजोरी है कहाँ तक जा सकती है, कुछ नीचे में कहाँ पर एंट्री ली जाए इसमें? तो आज तो स्टॉक ने पहली बार अपने 20-डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है आफ्टर आई थिंक यू नो अ मंथ एंड हाफ, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, तो मैं कहूंगा यहाँ थोड़ा सा यू नो वेट एंड वॉच ही करें,
750 का एक इसमें बहुत ही माइनर सपोर्ट जोन है, इसको ब्रेक करता है तो 710 तक जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये फॉल कंटिन्यू होती है तो ये दो लेवल्स होंगे जिनको मैं वॉच करूंगा। अगर एक्यूमुलेट करना है तो दीज आर द लेवल्स वेयर आई विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉचफुल ही रहूंगा। 750 इज द फर्स्ट लेवल दैट आई विल वॉच फॉर इफ आई एम लुकिंग एट एक्यूमुलेटिंग ग्लेनमार्क फ्रॉम हियर ऑन। एक चीज मैं आपके सामने और रखूं, आज बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स की एक बार वो प्लेट वापस से लेके आएगा। मैं उसकी वजह इसलिए आपको ये गिनवा रहा हूँ क्योंकि मार्केट ना एक बार खुलने के बाद टिपिकली जब इस तरह का गैप डाउन होता है ना तो रिकवरी भी फास्ट आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि आपके सपोर्ट्स नहीं ब्रेक हुए, लेकिन अभी भी आप रेशो ना सुधर नहीं रहा है। ये एडवांस डिक्लाइन बेहद ख़राब है। NSE पे भी देखें 1000 शेयर है, BSE पे भी 1300 शेयर हैं और F&O में भी है, तो डिक्लाइंस का पलड़ा अभी भी भारी है। वो तीनों ही सेगमेंट में NSE BSE फ्यूचर्स में है। और अगर आप सिर्फ निफ्टी को भी चेक करेंगे ना, देश के टॉप 50 कंपनीज को, तो 40 शेयर्स इस समय लाल निशान में है, 40 शेयर इस समय लाल निशान में है। तो हो क्या रहा है कि आज HDFC, रिलायंस, ICICI, एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखाते जाइएगा, ये सभी के सभी थोड़ा वीक हैं। लेकिन इसके उलट जो फाइट कर रहे हैं वो सिर्फ एक IT कंपनीज हैं जो थोड़ा बहुत फाइट कर रही हैं। वो किसी तरह से और गिरावट को यानी कि 19300 को रीटेस्ट करवाने से रोक रही हैं। तो ITs को आज दूसरे नज़र से आप देख के रखिएगा, ये आपके आज के लिए दोस्त साबित हो रही हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एक और शेयर पता कर लेते हैं। अच्छा, जी एंटरटेनमेंट पे एक बार जरा टेक्निकल व्यू ले लेते हैं राहुल से। राहुल, ये खबर तो आई है कि पुनीत गोयनका CEO नहीं बनेंगे और मर्जर वाला मामला आगे बढ़ गया है, सब कुछ ठीक है। और कई बार ये थोड़ा बुरा भी लगता है कि जो जिन लोगों ने कंपनीज बनाई वो कंपनीज के ना CEO बन सकते हैं ना कुछ बन सकते हैं, और कंपनीज ऐसे रिएक्शन दे दे तो कितना बुरा लगता होगा उनको। खैर वो एक अलग मामला है, मैं इमोशंस पर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ टेक्निकल्स पे जा रहा हूँ। ये फंस सा गया है रेंज में 268 से अब 278 के बीच में। आप मेरे को बताइए ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने के चांसेस कितने हैं? एक्चुअली ये एकदम बीच में है, तो दोनों ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आने के चांसेस है। तो थोड़ा कंजर्वेटिवली अगर आपको प्ले करना है और लॉन्ग प्रेफर्ड साइड रहेगा इस स्टॉक में तो 255 पे लॉन्ग जा सकते हैं। रिपीट, अभी एकदम बिल्कुल बीच में है, इधर साइड ब्रेकडाउन हो सकता है, लॉन्ग साइड इज प्रेफरेबल। 255 कैन बी द प्राइस टू गो लॉन्ग और इसका स्टॉप लॉस होगा 224 शॉर्ट टू मीडियम टर्म लॉन्ग साइड व्यू के लिए। खैर इस बीच हम आपको थोड़ी देर पहले वो ट्रैक्टर्स भी आपको दिखाए थे ओजा वाले जो कि M&M ने लॉन्च किए, हमारे सहयोगी सुमित पहुंचे हुए हैं केप टाउन और उन्होंने वहाँ से आपको सारी तस्वीरें दिखाई थी। फार्म इक्विपमेंट्स को लेकर भी कुछ बात है, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। वापस से सुमित को कनेक्ट करते हैं केप टाउन से ही और देखते हैं उनकी एक और डिटेल रिपोर्ट। सर सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे ओजा, क्या वजह है ओजा को अभी लॉन्च किया गया, कितना इन्वेस्टमेंट गया है इसमें और क्या प्रोडक्ट प्लान है इसमें आपके? तो ओजा एक नया, चार नए ट्रैक्टर प्लेटफॉर्म है और उस चार नए प्लेटफॉर्म पे 40 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आएंगे। ओजा का मतलब एक्चुअली संस्कृत वर्ड से डिराइव होता है, जो ओजस का मीनिंग है संस्कृत में विच इज़ एनर्जी। तो ओजा नाम उस संस्कृत वर्ड ओजस से डिराइव किया है और उसीलिए हम लोग कहते हैं कि ओजस इज एक्चुअली अ पावर हाउस ऑफ एनर्जी, बिकॉज दैट्स ये इस तरह का ऑफरिंग है जो फार्मिंग को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो हम लोग इंडिया में 7 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे अभी और ये लॉन्च करीब एंड अगस्त सितंबर तक हो जाएगा, सो वी विल बी रेडी टू गो विद 7 प्रोडक्ट्स। कैसी मार्केट है सब मिला के, अगर बात करें विदेशों में आपकी बहुत एक्सपेंशन योजनाएं हैं, कैसी मार्केट है विदेशों में, क्या मेन मार्केट रहेंगी क्या, और साउथ अफ्रीका कितना बड़ा मार्केट रहेगा, अमेरिका कितना बड़ा मार्केट रहेगा और आसियान रीजन कितना बड़ा मार्केट रहेगा? तो इसमें सबसे बड़े ग्लोबल मार्केट जो है वो है नॉर्थ अमेरिका, फॉलोड बाय आसियान और जापान। ये 3 काफ़ी बड़े मार्केट्स है हमारा, नॉर्थ अमेरिका और जापान दोनों मार्केट में बढ़िया प्रेजेंस है। आसियान एक मार्केट है जिसमें हमारी कोई प्रेजेंस नहीं है अभी, और आसियान मार्केट के लिए हमें ओजा तरफ टाइप की एक प्रोडक्ट ऑफरिंग ज़रूरी थी और वो अब हम लोग जो ओजा है उसको लेके जाएंगे इस आसियान मार्केट में करीब मिडल ऑफ 2024 तक। आपने इन्वेस्टमेंट का पूछा था तो करीब 1200 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है टोटली ये 4 प्लेटफॉर्म्स में। कैपेसिटी कितनी रहेगी, कितना आप बना सकते हैं यूनिट्स इसके?
इसकी कैपेसिटी करीब 30,000 यूनिट्स रहेगी और ये हम लोग फेज मैनर में रैंप अप करेंगे। और अगर बातचीत करें पिछले साल आपकी पिछले फाइनेंशियल ईयर में 4 लाख से ज़्यादा आपके ट्रैक्टर सेल्स थे, रिकॉर्ड ईयर रहा, इस साल कितना आप लगते हैं कि वो जो परफॉर्मेंस है वो आगे जा पाएगी, कैसा लग रहा है आपको, क्या उम्मीदें हैं आपकी इस साल से? ट्रैक्टर मार्केट लास्ट ईयर काफ़ी बहुत ही बढ़िया था और इस साल हमें लगता है कि ट्रैक्टर मार्केट की ग्रोथ थोड़ी म्यूटेड रहेगी, यानी लो सिंगल डिजिट्स में। लास्ट ईयर भी हम लोग ने मार्केट शेयर गेन किया था, इस साल भी हमारी उम्मीद है कि मार्केट शेयर हम लोग गेन करेंगे। ऑलरेडी पहले 4 महीनों में हम लोग ने 0.5% मार्केट शेयर गेन कर लिया दोनों महिंद्रा और स्वराज ब्रांड मिलाकर। तो यू नो विद द लॉन्च ऑफ ओजस हम लोग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है कि मार्केट शेयर गेन की ट्रेजेक्ट्री रहेगी। अनफॉर्चुनेटली इस मोमेंट पे हम लोग बता नहीं सकते कि ट्रैक्टर मार्केट इससे ज़्यादा ग्रो करेगी या नहीं, ये सीज़न देखेंगे, फेस्टिवल सीज़न कैसे जाता है, लेकिन जो रूरल और एग्री सिनेरियो है काफ़ी पॉजिटिव एनेबलर्स है। एक तो रेन्स आ गए हैं जून जुलाई में मेनली, विच इज़ वेरी गुड साइन। दूसरी बात है कि जो फार्मर्स टर्म्स और ट्रेड्स कहते हैं, जिसका मतलब है फार्मर की जो मार्केट सेलिंग प्राइस है कंपेयर टू देयर इनपुट कॉस्ट, वो पॉजिटिव हो गई है अभी, और ये पिछले 1.5 साल से नेगेटिव पे चल रही थी, तो दैट्स अ पॉजिटिव फैक्टर। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स है, एक तो इलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग रूरल में शायद ऊपर हो जाएगी, तो देर आर सेवरल पॉजिटिव फैक्टर्स, लेकिन वी आर स्टेइंग विद लो सिंगल डिजिट्स फॉर द ईयर। सर एक आखिरी क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक के बारे में काफ़ी बज़ रहता है हर जगह इलेक्ट्रिक का, आपके इलेक्ट्रिक को लेके क्या प्लान है, कब देखेंगे हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आता हुआ, क्या वो ओजा के अंडर होगा, कैसा क्या प्लान है आपका सर? तो सुमित, वी आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन एन इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, विल बी मेनली फॉर ग्लोबल मार्केट्स, विल टेल यू मोर जब उसमें और प्रोग्रेस होगा। तो चलिए, ये तो न्यू ट्रैक्टर्स की बात हुई, लेकिन जो लोग एसयूवी लवर्स हैं और जो थोड़ा एनवायरनमेंट को लेकर कॉन्शियस है और इलेक्ट्रिक मॉडल्स भी ले रहे हैं, उनके लिए भी तो एक ट्रीट यहाँ से निकल कर आई है, हालांकि टाइमलाइंस अभी सामने नहीं आई, इलेक्ट्रिक एसयूवी थार। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, मेरा मन आ गया गाड़ी को। पूछने वाली थी कि आप प्लान तो नहीं कर रहे अभी, तो खैर टाइमलाइन सामने नहीं आई, बट प्री प्लान तो कर सकते। इतनी फ्यूचरिस्टिक गाड़ी लग रही है। करेक्ट, आपने देखा ये जो इसका साइबर ट्रक जो है टेस्ला का, वो भी इसी की लाइंस पे है, लेकिन ये साइबर ट्रक से बेटर लग रही है गाड़ी, दम तो दिख रहा है। थार ई जब तक आएगी यहाँ इंडिया में लॉन्च होगी, तब तक हम लोग ये मूड बना ही लेंगे। कुछ देख रहे हैं आप ये विजुअल्स, थार ई के एडवेंचर लवर्स के लिए तो ये बहुत ही शानदार गाड़ी होने वाली है। कुछ तो अजय, आई थिंक अगर आप देखें इंडियन ऑटो मेकर्स यू नो उस स्टेज पे आ गए हैं जहां पे वो कंपैरिजन स्टॉप होना चाहिए कि ओ इंडियन है वर्सेस जर्मन है वर्सेस जापानीज है, बिकॉज यू नो आप इनकी गाड़ियों का डिजाइन देख लें, आप इनकी गाड़ियों का परफॉर्मेंस देख लें। आई एम अ प्राउड ओनर ऑफ यू नो वन ऑफ देम, तो मैं कह सकता हूँ कि किसी भी आप यू नो कंपनी के साथ कंपेयर कर लें, इट्स देयर अप टू द मार्क। एक छोटा सा इश्यू होता था कि अरे स्टाइलिंग में हम वहां पे नहीं है, वी आर नॉट देयर येट, बट आई थिंक वो भी जो गैप है वो फिल होता हुआ नजर आ रहा है। सो वेरी एक्साइटिंग टाइम्स फॉर ऑल ऑटो लवर्स टू कम। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब थोड़ा सा एक्साइटमेंट ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए भी लेकर आते हैं। ऑप्शंस का चैंपियन हमारे खास सेगमेंट, हमारे साथ आज एक एक्सपर्ट भी जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आज का ऑप्शंस का ट्रेड बताने के लिए निलेश बताएं, मॉर्निंग, कौन सा आज का ऑप्शंस का ट्रेड? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बिल्कुल, देखिए आईटी स्पेस में काफी अच्छा एक्शन है, स्पेसिफिकली मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी काफी अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये मोमेंटम एक्शन होता हुआ नजर आएगा कोफोज में। लगातार निचले स्तरों से एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन तो बनी रहा है, इसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट में काफी अच्छा इजाफा हमें देखने को मिल रहा है, लॉन्ग साइड में बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस मोमेंटम को प्ले आउट करने के लिए 5450 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी, जो लगभग 100-105 की रेंज में ट्रेड हो रहा है। इसे खरीदे 95 से 105 की रेंज में, ऊपरी स्तर पर 160 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 70 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा। अगर हम रुपीज टर्म में देखें तो 4500 का स्टॉप लॉस है एंड 9000 तक का प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली आईटी स्पेस पे फोकस करके चल रहे हैं, कोफोज में कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश इस ऑप्शन की स्ट्रेटेजी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, और आईटी सेक्टर के बाद इनफैक्ट अगर आप देखिए तो आईटी सेक्टर आज पूरे बाजार में गेन कर रहा है। सुमित पोखरना हमारे साथ जुड़े हैं आईटी में स्टॉक पिकिंग में आपकी मदद करने के लिए। इनफैक्ट सुमित, अगर हम देखें तो जब से एक टेक महिंद्रा का जो रिजल्ट आया था, बहुत ही खतरनाक खराब रिजल्ट था, लग रहा है वहां पर कहीं ना कहीं एक बॉटम बना।
उसके बाद चीजें सुधरी, HCL टेक को बड़ा ऑर्डर मिला, अब एक बड़ी डील इंफोसिस को मिली है और लोगों में वापस रुचि आती हुई नजर आ रही है। क्या इन वैल्यूएशन पे आपको लगता है सारी नेगेटिवनेस फैक्टर इन हो गई है और इस भाव से लेने चाहिए स्टॉक्स आईटी में, और आपके कौन से टॉप पिक्स होंगे? हमें लगता है कि काफी इंप्रूवमेंट हुआ है उसके लिए, और मेगा डील्स लार्ज डील्स काफी फ्लो इन हुई है, उसके कारण मार्केट में एकदम से पॉजिटिविटी दिखी है, बिकॉज मार्केट ने काफी नेगेटिव प्राइस इन कर लिया था। और जैसे कि इंफोसिस ने गाइडेंस कट करी थी तो उसके बाद में लगा था कि आगे आउटलुक खराब लग रहा है, बट उसके बाद में इंफोसिस ने जैसे थर्ड लार्ज और मेगा डील अनाउंस करी है तो एक मोमेंटम दिख रहा है कि चीजें इंप्रूव होने वाली है, हो रही है धीरे धीरे करके। डेफिनेटली 100% क्लियरिटी नहीं है बिकॉज अभी भी जैसे यूएस में बोला कि काफी बैंकिंग स्टॉक्स को रेटिंग कट करी जा सकती है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि सारी आईटी सेक्टर्स को, आईटी कंपनीज को, लार्ज कैप आईटी कंपनीज को बीएफएसआई सेक्टर से काफी मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहता है वहां से। सो हमारा कहने का मतलब है कि लार्ज कैप में डेफिनेटली जो नेगेटिविटी थी वो काफी हद तक प्राइस्ड इन है और यहाँ से चीजें इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। जैसे कि इंफोसिस ने अभी एक मेजर लिबर्टी ग्रुप के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है विच इज ए वेरी लार्ज मेगा डील which is gives us a key 2025 mein revenue will improve, earnings will improve significantly. FY24 mein still we may see some more pain, but FY25 looks better. ओके, FY25 आपको बेटर लगता है, लेकिन एक्शन तो मिड कैप स्टॉक्स में भी काफी हो रहा है और इनफैक्ट अगर हम लार्ज विंस की एक बात तो एड्रेस होती हुई दिख रही है, दो कंपनियां हुई HCL और इंफोसिस, लेकिन मिड कैप स्पेशली स्टॉक्स लाइक कुफोज, पर्सिस्टेंट और इनफैक्ट और कुछ दूसरी और कंपनी की भी ब्रॉडर मार्केट में बात करें तो उन्होंने अपनी गाइडेंस को या आउटलुक को मेंटेन रखा है, तो क्या वो पहले चलना शुरू हो जाएंगे या फिर मोमेंटम को सस्टेन करेंगे? सी, हमारा मानना है कि लार्ज कैप कंपनीज जो है उनको काफी बेनिफिट मिल रहा है कॉस्ट टेकआउट डील से, वेंडर कंसोलिडेशन से। सो जो अभी तक मिड कैप ने जो आपको अच्छा मोमेंटम ग्रोथ दिखाई है वो पुराने डील्स के कारण उनको दिख रहा है, बट वैल्यूएशन में ये सब कैप्चर हो गए और वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव लग रहे हैं, तो हमें लगता है मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव फॉर मिड कैप इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन। इससे अच्छा अगर किसी को सेफ प्ले करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखते हुए खेलना है, तो लार्ज कैप पे फोकस किया जाए, वहां पे डाउनसाइड लिमिटेड है, प्लस जैसे जैसे डील्स आती जाएगी, वेंडर कंसोलिडेशन होगा, उनको फायदा होगा एज कम्पेयर टू स्मॉलर कंपनीज। ठीक है, तो आपकी बेट्स क्या होंगी लार्ज कैप्स अगर आपको यहाँ से बेटर लग रहे हैं तो, कौन से स्टॉक्स में आप रेकमेंडेशन देंगे? हाँ, हम काफी टाइम से इंफोसिस और HCL टेक पे काफी पुश कर रहे हैं, हमें लगता है कि एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर किसी को अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना हो तो इन दो स्टॉक्स पे आप बेट लगा सकते हैं। HCL टेक विल बी आवर सेकंड पिक, टॉप पिक विल बी इंफोसिस, एंड थर्ड अगर किसी और को फिर भी इन्वेस्ट करना है तो TCS कैन ऑल्सो बी सीन, बट देखने वाली ये बात है कि इनके जो गाइडेंस कट करी थी इंफोसिस ने उस वक्त वैल्यूएशन काफी करेक्ट हो गए थे, स्टॉक काफी करेक्ट हुआ था। अब यहां से जैसे जैसे तीन लार्ज मेगा डील्स अनाउंस कर चुके हैं वो लास्ट दो तीन महीने के अंदर अंदर, तो इससे रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत आ रही है, तो इससे इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे जाके कि गोइंग फॉरवर्ड अर्निंग्स विल इंप्रूव, रेवेन्यू विल इंप्रूव। तो हमें लगता है इंफोसिस पर्टिकुलरली 10% कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ दिखा सकता है FY25 में। ओके, ऑलराइट, इंफोसिस और HCL टेक ये आपकी लार्ज कैप्स में टॉप रिकमेंडेशन होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप समय देने के लिए और हमसे इन स्टॉक्स पर बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर स्टांस तो आईटी सेक्टर पर जो लगातार हम स्वदेश पे बात कर रहे हैं वो आप क्लियरली दिख भी रहा है अजय, लार्ज डील्स की बात थी वो आपको दिख रही है और बहुत हद तक प्राइस इन हो चुकी थी, कितनी नेगेटिविटी, लेकिन वैल्यूएशन और लॉन्ग टर्म एवरेजेस को लेकर अब भी एक बात देखिए, आपको स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेनी पड़ेगी, लेकिन आप ब्लैंकेट नेगेटिव नहीं रह सकते आईटी के ऊपर। देखिए कितनी अच्छी रिकवरी अटेम्प्ट हो रही है, जैसा कि हमने सुबह बताया था आपको कि परसों भी लोएस्ट पॉइंट पहले आधे घंटे बन गया था, उसके बाद रिकवर हुई, आज उतनी तेज नहीं परसों जितनी, लेकिन फिर भी लोएस्ट 19317 का जो लो है वो पहले आधे घंटे में बना और वहां से बाजार रिकवर होने की चेष्टा कर रहा है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी
मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को भी लेके आइए, फिर वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे तस्वीर कितनी साफ है। एक और तस्वीर साफ होती हुई नज़र आ रही है और वो है ज़बरदस्त रिकवरी मिड कैप स्मॉल कैप में, ऑलमोस्ट हरे निशान में आ गई है। स्मॉल कैप लेके आई डॉक्टर साहब, ये जो स्टार्क डिफरेंस है ये आपको समझ में आ रहा है कि क्यों इतना पैसा म्यूचुअल फंड, ये तो हरे निशान में आ गई भाई वाह। एक एक्सक्लूसिव स्टोरी अभी हम फ्लैश करेंगे, हमारे इंग्लिश चैनल पे ऑलरेडी फ्लैश होती हुई नज़र आ रही है, वो है रेलिगेयर एंटरप्राइज में। खबर ये आ रही है जो हमारे इंग्लिश चैनल फ्लैश कर रहे हैं कि बर्मन फैमिली ने जो ऑलरेडी 14% स्टेक होल्ड करते हैं रेलिगेयर में, उन्होंने आज के ब्लॉक जो हुए हैं उन्होंने ही और एडिशनल स्टेक लिया है। तो ये खबर एक रेलिगेयर एंटरप्राइज के अभी आपके फ्लैश पे आ ही रही है, इंग्लिश चैनल पे हमारे ऑलरेडी फ्लैश हो रही है। लेकिन आगे बढ़ते और भसीन साहब को शामिल कर लेते हैं अपनी बातचीत में, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहतरीन शेयर्स डिस्कस करने के लिए। भसीन साहब गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया, बताइए क्या व्यू लेके आए हैं आज आप बाजार पे और कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं? हाँ गुड मॉर्निंग अजय जी, सो सिंपल अजय जी देखिए तीन चार चीज हो रही है जो ना आपके हाथ में ना मेरे। चाइना ने रेट कट किया, अर्जेंटीना द इंडेक्स वेंट थ्रू 6.5%, रशिया इज प्रोटेक्टिंग इट्स रूबल, द रूपी रूबल रेट इज एट इट्स हाईएस्ट, राधर मेक इट सॉफ्ट। सो आई थिंक दैट इंडिया इज इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दूसरा आपको मैं बताऊं, मैं अभी चेन्नई होके आया और आपको मैं बताऊं कि आईटी इज रोरिंग और रुपी की वीकनेस, और देखिए सबने आईटी को डाउनग्रेड किया है, एचसीएल टेक, एलटीआईएम, परसिस्टेंट टेक, महिंद्रा और ऑल हिटिंग न्यू थ्री मंथ हाईस। मेरी बातचीत हुई अपोलो हॉस्पिटल के व्हाट अबाउट द नंबर्स, यू नो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड वॉज अप 12% एट 57,750। In next quarter, there will be EBITDA break even on the pharmacy business. And they are saying that next year, robust business is there. They will be turned positive on pharmacy. Apollo Hospital is a must have. The type of reach it has and just the type of revenue. 542 crore ka EBITDA tha, which is 24%. So I think this correction, Apollo Hospital is a must have. The pharmacy business has been one in which they have been investing in the last few quarters. This quarter, the losses were the lowest and next quarter, they will break even on the EBITDA basis. So that is my top pick. Aur meri unse jo baatcheet hui, they are very bullish on the expansion which they are doing and in the other verticals which they are saying will all start to pay off very, very richly. 6,000 ka bhav mujhe dikhta hai iska ek saal mein. This is the large cap. Dusra aapko batau, Maruti, it will gain for every 10 basis yen depreciation against the dollar. Maruti gains 1.5%. So at 145, 3% margins have already been added. And I think Maruti is a no-brainer at this price, given that 35 lakh gaadiyon ke order hai. So 9,300 pe you must add Maruti. 11,500 ka target hai. Main ek saal ka basliye bata raha hoon, kyunki we are closer to end of September, August middle. And now you keep your horizon for 6 months because the markets are going to be choppy for the time being. Thirdly will be my mid-cap play, IRCTC. In the whole railway stocks and the re-rating, IRCTC has done nothing. Despite it being the premier or the monopoly play with the EBITDA margin of 60%. Mujhe lagta hai IRCTC is headed to 800, but you have to be invested in this stock because this can be a really outperformer in the railway place. Dusra Ajay ji, the index is immaterial. Reliance and HDFC have so much of high weightage ke do din upar niche aapko pata nahi lagega. तीसरी बात मेरी लिख के ले लीजिए, 18 तारीख से ये बाजार घूम जाएगा, उसके बाद आपको 20,000 सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर में अगस्त में दिखेगा और मिड कैप्स में बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस। जी के लिए इससे बड़ी खबर हो ही नहीं सकती कि आज दोनों गोइंकास को डीबार कर दिया, जितनी जल्दी ये बैड बैगेज हटेगा सोनी विल टेक ओवर, इसका भाव 400 रुपए आपको अगले साल जरूर दिख जाएगा। जी पर तो आप काफी समय से अपना व्यू दे रहे थे, अपोलो हॉस्पिटल, आईआरसीटीसी, बिल्कुल वैल्यूएशन यहाँ भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं, और मारुति सुजुकी उन्होंने ऐड किया है। ठीक है, इंडेक्स को ट्रेड करना तो बहुत मुश्किल है, इंडेक्स को स्टॉक पिकर को और बाजार के लोगों को इंडेक्स को सिर्फ रेफरेंस के लिए देखना चाहिए। बिल्कुल, एक्शन कितने लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं और गेम हो रहा है आपका इंडिविजुअल आइडियाज में, करेक्ट।
और मार्केट इज अबाउट स्टॉक पिकिंग, जो कि हमारे वसीन साहब करते रहते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया वसीन जी आज समय देने के लिए और ये चार बेहतरीन कॉल्स हम तक लेकर आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए